नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत। दैदिप्य, भानु, अर्चना, अविनाश, कृतिका, मिनी, प्रतीक्षा, साक्षी, दिव्यांशु, राज, तान्या, अनुराधा, मुस्कान, अमित, रवि, भवानी, पूनम, अमन, आकांक्षा, प्रियंका, राजेश, तान्हा, अंकित, वादा, सफ़ी, रीमा, ईश्वरी, तेजस्विनी, अजय, अंबेडकर, अभिनव, मोनी, सभी गुड मॉर्निंग। सम्राट, अमन, विनोद, रुचि, काजल, कस्तूरी, राणा, संबित, पीयूष, सौरभ, ज्योति, श्री अनुषी, कोमल, दीपिका, बढ़िया, आशा, मौलिका, इमराना, सभी लोग आ गए। सनी आ गया, लिपिका, रोशनी, सुमन, बहुत अच्छे, ठीक है। मुकेश भी है, राजशेखर, प्रद्युम्न, शिवानी, खुशबू, करिश्मा, बढ़िया। चलिए, सभी लोग आ चुके हैं क्लास में हमारे। तो बताओ, पहले क्या, पहले पढ़ोगे या पहले एमसीक्यूज करोगे? क्या कराया जाए? पहले तीन चार एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद, हाँ बहुत अच्छे हैं, पहले कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद जो पढ़ाई है वो शुरू करेंगे, ठीक है? बढ़िया। तभी तक बाकी जो लोग हैं, जो लिपटते घुलटते आते हैं, वो पहुंच जाएंगे। तो हमने कल कुछ क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। हमने देखा था कि किन किन कंट्री का जो संविधान है वो अनरिटन है। उसमें से जो आपका न्यूजीलैंड है, नॉर्दर्न आयरलैंड है, इसराइल है, यूके है, इन चारों कंट्री का संविधान जो है वो अनरिटन है। ये सब बातें हमने कल डिस्कस कर लिया था। ध्यान सुनना, अभी क्लास 10 बजे से है, 11 बजे से फिर क्लास है, 12 बजे से फिर क्लास है। तो लगातार आपके तीन क्लासेस हैं, आपको बस गियर बदलना है, कुछ नहीं करना है, बस इस क्लास से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर जंप करना है, ठीक है ना? सारा स्पेशल क्लास ही है, सारा इसी ऐप पे है, ठीक है? तो तीन घंटा लगातार बस बैठे रहो, काफ़ी कुछ सीखोगे। टॉपिक्स हम लोग ढेर सारे कवर करेंगे। ये तो पॉलिटी क्लास है, इसके बाद सारी क्लासेस, दोनों क्लासेस एमसीक्यूज की होंगी, ठीक है? बढ़िया। YouTube पर मेरी कोई क्लास नहीं है आज, कल भी कोई क्लास नहीं होगी। YouTube पर आज और कल कोई क्लास नहीं होगी, ठीक है? चलो शुरू करते हैं फिर। ये सब बातें हो गई थी, हमने सब बता दिया था आपको। फिर मैंने बताया था कि जो आपका ऑब्जर्वेशन है उसके बारे में, जो रिजोल्यूशन है इसको मूव किया था किन्होंने? मोतीलाल नेहरू जी ने, ठीक है ना? नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है ना? डी आपका सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, मोतीलाल वाला नेहरू रिपोर्ट था। क्या था? नेहरू रिपोर्ट था। जवाहरलाल जी ने ये रेजोल्यूशन जो है ना पेश किया था हमारे संविधान सभा में 1946 में। सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट की डिमांड किन्होंने करी थी? नेहरू रिपोर्ट ने 1928 में डोमिनियन का दर्जा मांगा था। सब बातें मैंने कल आपको डिस्कस कराई थी। इनमें से कौन से अधिकार संविधान के दिया गया है जो इंश्योर करता है कि कोर्ट में फेयर ट्रायल हो? कहा गया था कि किसी भी पर्सन को सेम ऑफेंस के लिए एक बार से ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। मैंने बताया था एग्जांपल दे करके, पापा भी मारते हैं, मम्मी भी मारते हैं सेम गलती के लिए, तो सही नहीं है, वो आपके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है ना? नो लॉ शैल डिक्लेयर एनी एक्शन एज इलीगल फ्रॉम बैक डेट। आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर दिमाग फालतू नहीं लगाना है, आप क्रिमिनल सिविल मत सोचिए। सिंपल सी बात कही जा रही है कि कौन कि किसी भी एक्शन को आप बैक डेट से इलीगल करार नहीं दे सकते, ठीक है? चलो सिविल का भी एक एग्जाम्पल मानते हैं, सिविल केस का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो कि कोई किसान है, वो टैक्स नहीं पे करता, ठीक है? तो आप 2022 में जाकर के ये नहीं कहेंगे कि किसान को कि आपने 2020 में टैक्स नहीं पे किया था, इसीलिए आप पर हम सजा लगाते हैं। क्यों? क्योंकि 2020 में फार्मिंग में टैक्स एक्सटेंडेड है, समझ गए बात? तो यहां पर ये बातें हैं। तो आप सिविल का भी एग्जांपल लेंगे तभी ये वाला जो है वो सही हो जाता है। नो पर्सन शैल बी आस्क टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, बिल्कुल सही बात है। मगर यहाँ पर जो सिविल केस में जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वगैरह होता है सब देना पड़ता है, आपने कहाँ कहाँ घोटाले किए हैं, अपनी कंपनी का जो रिपोर्ट है, जो है ना दस्तावेज वगैरह सब देना पड़ेगा उसमें, ठीक है? हाँ, सजा भी नहीं होगी, ये सब बातें हो गई हैं, ठीक है? यहाँ पर अगला सवाल है, अगर स्टेट
कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाता है फंडामेंटल राइट पे, तो वो कौन सी कंपिटेंट अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल है? ज्यूडिशरी, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और गवर्नर, इनमें से कौन है जो डिसाइड करेगा कि आपके जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो रीजनेबल हैं? सिंपल सी बात है, आसान सा सवाल है, जवाब देना इसको जरा। सर नोटिफिकेशन नहीं आते आपकी क्लास की, लाइव कॉलम में भी लाइव शो, तो अनअकैडमी के ऐप पर उनको लिखो कि नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा। ठीक है ना, क्योंकि मैं कहूंगा उनको तो बोलेंगे कि यार हम तो भेजते हैं नोटिफिकेशन, झूठ बोल देते हैं वो लोग। ठीक है, बढ़िया। अभिनव, मुस्कान, सफी, रविशंकर, उजाला, सनी, श्वेता, सम्राट, साक्षी, प्रतीक्षा, बहुत अच्छे। यहां पर जुडिशरी है जो तय करता है कि आपका जो रिस्ट्रिक्शन है वो रीजनेबल है या नहीं, तो आपका पहला है जो सही है न्यायपालिका जो है वो तय करेगा। बढ़िया। फंडामेंटल राइट हमारे एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्वालिफाइड हैं। एब्सोल्यूट क्या होता सर? अगर हमारा फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट होता तो इस पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, वहाँ पर कोई भी लिमिटेशन वो नहीं होता, मगर चूंकि क्वालिफाइड है तो यहाँ पर लिमिटेशन होती है। आप अपने फंडामेंटल राइट को तभी तक यूज़ कर सकते हैं जब तक कि आपका फंडामेंटल राइट किसी और के अधिकार को वायलेट नहीं करता। जो राज्य है मतलब गवर्नमेंट है वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। फॉर एग्जांपल आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल आप जो ये सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल करते हैं, अच्छा यूपीएससी में केवल कॉन्सेप्ट पूछे जरूरी नहीं है, वो आपसे उस कॉन्सेप्ट का जो इस्तेमाल है वो पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कह सकता है यूपीएससी क्वेश्चन में कि जो सोशल मीडिया है उस पर सरकार अगर रेगुलेशन लगाती है, अगर रेगुलेट करती है, तो क्या ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा? नहीं, नहीं होगा, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ये क्या है, इस पर हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। मतलब कि इसका मतलब ये थोड़े है कि आप कुछ भी, जैसे कि जो आपका सोशल मीडिया है वहां पर जाकर के कोई ऐसा मतलब दंगा मचाने वाला वो भाषण देंगे या कुछ बोलेंगे ऐसा, तो चूंकि आपका जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है तो जो गवर्नमेंट है वो सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सकता है। तो इस पर सवाल पूछ सकता है आपके प्री में भी, सवाल आ सकता है आपके मेंस में भी। ठीक है, सवाल पूछ देगा कि बताइए आपके हिसाब से क्या सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का जो कदम है क्या वो सही है, इसके क्या फायदे हैं, इसके क्या नुकसान हैं, क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा, समझ बात। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं इस पर। बढ़िया, तो मगर ये रिस्ट्रिक्शन जो है ना वो होने चाहिए रीजनेबल, मतलब कि यहाँ पर जो आपके लिमिटेशन लगाई गई हैं वो लिमिटेशंस रीजनेबल होने चाहिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है। अगला सवाल है, अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो एग्रीव्ड पर्सन हैज टू एग्जॉस्ट द रेमेडी अंडर कंसर्न्ड हाई कोर्ट बिफोर मूविंग द सुप्रीम कोर्ट। फंडामेंटल राइट के वायलेट होने के बाद उसको पहले हाई कोर्ट जाना होगा, क्या तभी वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं आपको आर्टिकल नंबर 20 और 21 में, दे डू नॉट गेट सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, क्या बात सही है? इमरजेंसी के दौरान क्या 20 और 21 नंबर आर्टिकल सस्पेंड नहीं होता? तीसरा, क्या फंडामेंटल राइट को कर्टेल कर सकता है पार्लियामेंट, क्या उसको रिपील कर सकता है? 1, 2, 3 में बोलना क्या आंसर यहां पर सही है ध्यान से, इनमें से कौन सी बातें गलत है वो पूछ रहा है आपसे, इनमें से कौन सा, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या पार्लियामेंट कर्टेल नहीं कर सकता ये पूछ रहा है, ठीक है ना, ध्यान से यार बताइएगा।
चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। रुको रुको, पोल देने दो। ये ऑब्वियस है, ठीक है। बस एक कन्फ्यूजन था कि सेम तो नहीं है, ठीक है बताना। बढ़िया, ठीक है। सोच के, ठीक है। सर थर्ड को सही होगा, ठीक है। थर्ड सही नहीं है, थर्ड जो है वो सही नहीं है। ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं तो कंफ्यूजन है, यहीं पे कंफ्यूजन है, इसको ठीक करना है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। अभिनव, अमित, भानु, सुमन, राणा, विनोद, दीपशिखा, सफी, अंकित, प्रतीक्षा। अब ध्यान सुनिएगा, तीनों बातों को हम क्लियर करते हैं बारी बारी से। पहली बात क्या कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आपको पहले नीचे के ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने होंगे। मैंने आपको पहले एक बात बताई थी, आपको मैंने इथिक्स में एक जो है ना केस स्टडी वो दिया था कि एक महिला काम करती है कंपनी में और उस कंपनी से गंदा पानी निकल करके नदी में गिर रहा है, याद आया एक स्टडी। मैंने कहा था कि उस महिला के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, याद आया कुछ है, कुछ आइडिया कब कराया था सर एक केस स्टडी, है ना। तो वहां पर मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको अपने जो इंटरनल इंटरनल सिस्टम है उसको पहले इस्तेमाल कर लेना है, मतलब कि आपका जो इंटरनल ग्रेवियांस रिड्यूस सिस्टम जो है ना इसको पहले इस्तेमाल करना है, तभी आपको एक्सटर्नल पे जाना है। मगर आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये कहता है कि अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं, आपको हाई कोर्ट के जरिए सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको मन है तो हाई कोर्ट में जाइए, मगर अगर आप चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में आ सकते हैं सीधे। से मेरा पहला गलत हो गया, समझ रहे बात। हैज टू नहीं, दे मे, अगर यहां पर मे लिखा होता कि द पर्सन मे एग्जॉस्ट, समझ रहे बात। यहां पर शब्दों का अंतर देखो, अगर मैं यहां पर लिखता ही मे, जैसे मैं कह रहा हूं कि यू मे गो, तुम जा सकते हो, ठीक है ना, यू हैव टू गो, तुम्हें जाना ही पड़ेगा, दोनों में अंतर है। तो यहां पर अगर मे रहता तो ये बात गलत, मतलब सही हो जाती, चूंकि यहां पर हैज टू है तो यहां पर बात गलत हो गई, क्योंकि उसके पास ऑप्शन है, मजबूरी नहीं है, समझ रहे हो। तो पहला गलत हो गया। अब तीसरा देखो, फंडामेंटल राइट आपके किसी भी फंडामेंट पार्लियामेंट जो है वो आपके किसी भी फंडामेंटल राइट को रिपील कर सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। मगर अगर वो फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर का पार्ट है तो उसको नहीं कर सकता रिपील, ध्यान सुनिएगा, केवल वही फंडामेंटल राइट रिपील कर सकता है जो फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर का पार्ट नहीं है, समझ के बात। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 32, बिल्कुल सही, आर्टिकल 32 जो है वो आपके बेसिक फीचर का पार्ट है। राइट टू मूव टू सुप्रीम कोर्ट, मतलब राइट टू रेमेडी वाला जो है ना, ये आर्टिकल 32 आपका बेसिक फीचर का पार्ट है, इसलिए संविधान इसको रिपील नहीं कर सकता, मगर बाकी जो अधिकार हैं उसको रिपील कर सकता है। तो पार्लियामेंट
कैन, यहां पर कैन नॉट लिख करके गलती कर दी, आपका तीसरा गलत हो गया, ठीक है। दूसरा अगर कंफर्म आपको नहीं भी होता तब भी आप आराम से आंसर लगा देते। वन एंड थ्री है, केवल एक ही ऑप्शन है जहां पर वन एंड थ्री है, आंसर क्या हो गया, सी। हाँ, अगर मैं एक और ऑप्शन दे करके वन टू एंड थ्री लिख देता तो आपको सेकेंड ऑप्शन भी चेक करना पड़ता कि क्या सेकेंड ऑप्शन सही है क्या। जैसे कि फंडामेंटल राइट जो दिया गया आपको आर्टिकल नंबर 20 और 21 में, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होता इमरजेंसी वाले केस में, 19 वाला होता है ना, ये तो सस्पेंड होता ही नहीं है चाहे कुछ भी हो जाए। आपसे आपका राइट टू लाइफ थोड़े ले लेंगे, तो आपका दूसरा क्या हो गया, ठीक है, सही हो गया वाला, तो इट डू नॉट गेट सस्पेंडेड, ऑब्वियस सी बात है। कैंसर कैंसर आ गया वाला वन एंड थ्री, समझ रहे बात। चलो तो यहां पर ये बातें हो गई, ये वाला थोड़ा ठीक कर लेना, ये सही नहीं है। क्या आंसर यहां पर, सी है, सी होगा। चलो अगला सवाल है, इनमें से कौन कौन को इंक्लूड कर सकते हैं हम स्टेट के डिफिनीशन में, जो स्टेट का डिफिनीशन है वहां पर हम लोग किसे किसे इंक्लूड कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, LIC, RBI, सेबी। ऑब्वियस सी बात है, आप इसका आंसर दे सकते हैं आराम से, बिल्कुल आराम से दीजिएगा, कोई टेंशन नहीं है, आप जो सोच रहे हैं वही जवाब है। हाँ, तो ये तो मैं रविशंकर कह रहा है ना ऑटोमेटिकली, ठीक है ना, तो सस्पेंड तो होगा ही नहीं। जब सस्पेंड ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली रहे ना रहे क्या फर्क पड़ता है, समझ रहे बात। अगर सस्पेंड ही नहीं होगा तो ऑटोमेटिक कहे चाहे कुछ और कहे क्या फर्क पड़ता है, इसमें कौन गलती किया जी। बिल्कुल, आप जो सोच रहे हैं वही आंसर है, ठीक है, बढ़िया। अभिनव, सुमन, सफी, सनी, भानु, अमित, अमन, मुकेश, अंकित, इमराना, बहुत अच्छे। तो यहां पर ऑब्वियस ही बात है, जो सरकार का अंग होगा, जो सरकार के द्वारा बनाया गया होगा, वही है जो आएगा इसके अंतर्गत। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लोकल बॉडी का पार्ट है, पंचायत तो खुद ही लोकल बॉडी है, LIC सरकारी कंपनी है, RBI वैधानिक बॉडी है ना, RBI एक्ट के अंदर बनाया गया है। दूसरा सेबी सरकार का अंग है, रेगुलेटर है गवर्नमेंट का, तो तीनों यहां पर पांचों के पांचों जो है वो स्टेट के डिफिनेशन के भीतर आएगा। कौन सा आर्टिकल है बाबू, डिफिनेशन वाला स्टेट वाला कौन सा आर्टिकल है, BCCI होगा क्या। BCCI डिस्प्यूटेबल है, मगर अगर आए तो आपको क्या करना है, क्या मारोगे, BCCI है कि नहीं है, क्या BCCI को फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट से। BCCI को रजिस्टर किया गया है सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत, समझ गए बात। ये क्या है, BCCI सोसाइटीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर किया गया है। बात यह है कि एक केस फाइल हुआ था कि BCCI को RTI के अधीन लाना चाहिए कि नहीं। अब यह बात डिस्प्यूटेबल, अगर मैं कह दूं कि BCCI स्टेट का अंग है और बाद में कह दे सरकार, मतलब सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट कोई और के अंग नहीं है, तो क्या वो गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, जजमेंट आने देते हैं क्या होता है BCCI के बारे में, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। अभी आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें ये वाला ऑप्शन होगा, तो क्वेश्चन आपको ऐसा फ्रेम किया जाएगा कि आप बिना BCCI के बारे में जाने भी आंसर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस वाले केस में अगर आपको दूसरा पता नहीं भी होता तब भी आपने आंसर निकाल लिया था, है ना। तो आपको सवाल ऐसा फ्रेम करेंगे कि बिना उसके बारे में पता हुए भी आप आंसर निकाल ले जाएंगे, ठीक है। चलो ये बातें हो गई। हाँ, आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया है स्टेट को। अगला, इनमें से कौन सा अमेंडमेंट किया जा सकता है सिंपल मेजोरिटी से, बताना जरा।
फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्री और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, अबॉलिशन और क्रिएशन ऑफ काउंसिल, जो यहाँ पर जो कंस्टिट्यूंसी है उसका डिलिमिटेशन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इलेक्शन एंड मैटर ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पर ध्यान से कौन कौन सा अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से किए जा सकते हैं आपसे ये पूछ रहा है। ये गया ठीक है, आराम से आंसर निकाल सकते हैं यहाँ पे लेमिनेट करके। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, हाँ 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 कदम, हाँ खत्म करते हैं इसको, बस एक ही ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है आराम से, अरे यार ये एमसीक्यू वाला माहौल में आ जाते हैं ना तो पता नहीं चलता समय। हाँ ठीक है, इलिमिनेट करके आराम से आंसर निकल रहा है आपका। ना ना बिना इलिमिनेट के हो जाएगा, मगर कंफर्म हो जाओगे ना इलिमिनेट करके। अभिनव, सुमन, सफी, अमित, भानु, अमन, मुकेश, इमराना, मुस्कान, विनोद, बहुत अच्छे। यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, प्रेसिडेंट का जो चुनाव है, प्रेसिडेंट के चुनाव में केंद्र तो होता ही है पार्टिसिपेंट, इसके अलावा जो राज्य का भी होता है पार्टिसिपेशन, है कि नहीं? तो ये तो आपका कैसे होगा, ये तो आपका पहला सिंपल से होगा नहीं, स्पेशल चाहिए होगा, उसके बाद भी राज्य का रेटिफिकेशन चाहिए होगा, है कि नहीं है? क्योंकि ये फेडरल मैटर आ गया। सेम यहां पर भी चाहिए क्या होगा, स्पेशल मेजोरिटी। तो चार पांच तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिया, तो चार 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 यहां उड़ गया, तो बी सी डी तो है नहीं, एक ही बचा है आंसर 1, 2 एंड 3, है ना, केवल एक ही आंसर बचा है 1, 2 एंड 3, क्लियर है। चलो अब हम आते हैं अपने पढ़ाई पर, आपने सवाल कर लिए, मजा आ गया, चलो बढ़िया बात, ठीक है। तो हमने आर्टिकल 24 तक कल कर लिया था, कल किया था ना, आर्टिकल 24 तक हमने कल कर लिया था। आज करना है आर्टिकल नंबर 25 से, ये कहता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। क्या कहता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। सर एमसीक्यू, अरे आपके लिए एमसीक्यू की दो क्लास है, एक अभी 11 बजे वाली, एक 12 बजे वाली, टेंशन मत लीजिए, ढेर सारे एमसीक्यू हैं आज। हाँ तो यहां पर ये कहता है क्या, धर्म की स्वतंत्रता, ये कहता है कि सभी व्यक्ति को समान अधिकार है कॉन्साइंस का, वो अगर चाहें तो वो किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोपगेट कर सकते हैं। तो आपका यहाँ पर कितने कितने आर्टिकल हैं, इसमें कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 25 है, 26 है और दो ही हैं, 25, 26, 27, 28, ठीक है ना। हाँ फिर आपका आता है 29 एंड 30, और 32 तो आपका वो वाला है ही, 32 आपका अलग है। चलो तो ये आपका है आर्टिकल नंबर 25, अभी जो मैंने बोला वो आर्टिकल नंबर 25 है। इसके दो भाग हैं, क्या कहता है, आपको कंसाइंस का फ्रीडम है, आपको जो भी धर्म मानना है मानिए, ना मानना है तो कोई भी धर्म मत मानिए, ठीक है। ऑल द persons, persons माने कोई भी, दोनों में से कोई भी, दोनों कौन सर, नागरिक गैर नागरिक दोनों, ऑल द persons इक्वली इंटाइटल्ड टू क्या, फ्रीडम ऑफ
कॉन्साइंस। दूसरा पार्ट क्या कहता है? आपको फ्रीली प्रोफेस, मतलब आपको किसी भी धर्म को मानने का, उसे प्रैक्टिस करने का और उसको प्रोपगेट करने का अधिकार है। अच्छा, यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे करेंट इशू से। कैसे सर? एक इशू है घर वापसी का, समझ रहे हो? यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी व्यक्ति दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुआ है उसको दोबारा अपने धर्म में कन्वर्ट कराते हैं, समझ गए बात? तो यहां पर अगर वो अपने स्वेच्छा से आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर उसको जबरदस्ती कन्वर्ट करा रहे हैं तो उसका आर्टिकल 25 को वायलेट कर रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है, समझ रहे हो? फ्रीली प्रोफेस, प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस, समझ गए? तो यहां पर घर वापसी जो है वो एक एग्जाम्पल के रूप में यहां पर आएगा कि ये सही नहीं है। अगर वो घर वापस खुद ही आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? चलो, तो यहां पर ये बातें हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं? आपको जो आर्टिकल 25 दिया गया है, गारंटी किया गया है, तो इसके फायदे क्या क्या हैं? पहली बात यह है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस तो है ही, मतलब कि आप अपने हिसाब से आप किसी भी तरह के ईश्वर को मान सकते हैं, चाहे वो ईश्वर आपका सगुण हो, निर्गुण हो, किसी भी तरह का हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपका अपना जो है एरिया है, आप उसको जिस तरह से भी मान सकते हैं, ठीक है? बढ़िया। दूसरा क्या है, राइट टू प्रोफेस। प्रोफेस का मतलब ये होता है कि मैं पूजा पाठ तो करूंगा मगर मैं दिखा भी सकता हूं कि हाँ हम पूजा पाठ करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि हाँ हम हिंदू हैं, हम क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, इस तरह से डिक्लेयर, राइट टू डिक्लेयर वंस धार्मिक बिलीफ फेथ ओपनली फ्रीली, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? हाँ, मगर अगर आप ब्यूरोक्रेट हैं, अगर आप किसी सरकारी ओहदे पर हैं, तो ये आपसे उम्मीद नहीं करी जाएगी कि आप अपने धर्म को फ्रीली प्रोफेस करें, समझ गए? अगर आप किसी सरकारी पद पर हैं, मान लो कि आप अपने एग्जाम क्वालिफाई किया, आप जिले के डीएम बने, तो वहां पर ये नहीं कहेंगे कि हाँ हम हिंदू हैं, हम हिंदू हित का पालन करेंगे। आप सरकारी अफसर हैं, आप जिले के मालिक हैं, आपको सबको देखना होता है, ठीक है ना? राजा को अपनी प्रजा को एक आंख से देखना होता है, ठीक है? एक आंख मतलब ये नहीं कनखी मारकर देख रहे हैं सबको, कहावत है एक आंख मतलब एक समान सबको देखिए, ठीक है ना? चलिए, हाउ कम मोदी जी अटेंडेड द जय श्री राम जन्मभूमि पूजन? क्योंकि मोदी जी पॉलिटिशियंस हैं, मोदी जी क्या हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको अपने जो वोटर्स हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस किया था वो डिलीवर करना होता है, क्योंकि उन्होंने अपना जो इलेक्शन मैनिफेस्टो है उन्होंने लिखा हुआ था राम जन्मभूमि, लिखा था ना उन्होंने मैनिफेस्टो में, तो एक तरह से वो वहां पर एज अ पॉलिटिशियन, एज एन इंडिविजुअल गए, ये नहीं कि एज अ प्रधानमंत्री गए, ठीक है? एज अ पीएम वहां पर जाना सही नहीं है, ठीक है? जैसे कि सोमनाथ मंदिर का आपने नाम सुना होगा, कहां पर है सोमनाथ मंदिर? सोमनाथ मंदिर गुजरात में है ना? तो उसको नष्ट कर दिया गया था, रिस्टोर किया गया बाद में, तो भारत के राष्ट्रपति थे उस समय राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको मना किया था कि नहीं आप मत आइए। जब वहां पर इनोग्रेशन हुआ मंदिर का, नए मंदिर का जो बना हुआ है, तो नेहरू जी ने कहा कि नहीं आप मत आइए, मगर राजेंद्र प्रसाद फिर भी वहां पर गए, ठीक है? एक बात और,
नेहरू जी ने ये सोच के मना नहीं किया कि रविंद्र प्रसाद पता नहीं कौन से कास्ट के हैं, ये हैं वो हैं, जाति वाति छू देंगे मंदिर नष्ट हो जाएगा, अछूत हो जाएगा, नहीं, उन्होंने ये सोचा कि प्रेसिडेंट हो आप देश के मुखिया हो, आप अगर एक धर्म से जुड़े हुए दिखेंगे तो दूसरे धर्म के लोगों की ओर अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जो कथा है सब लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है, जो बोल रहे हैं ना, ये लिखा हुआ नहीं है, ये ज्यादा काम का है। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये सब अपने आंसर में लिख सकते हैं इसको एज एन एग्जाम्पल, समझ रहे हो बात? ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला राजेंद्र जी से कि आप देश के राष्ट्रपति हैं, अगर आप किसी एक धर्म से जुड़े हुए दिखेंगे तो अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ये बातें हैं। चलो, तो क्या कहता है ये वाला, राइट टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस एंड राइट टू प्रैक्टिस, राइट टू प्रोपगेट भी है आपको यहां पर। हाँ ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल लिख ले सकते हो कि हाँ सोमनाथ मंदिर, सोमनाथ, नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, ऐसा करके, ताकि आपको कहानी बाद में याद आ जाए कि हाँ कहाँ क्या सुनाया गया था। ठीक है, तो इसका जो आपका कंसिक्वेंस है ये क्या हुआ, कंसिक्वेंस ऑफ आर्टिकल 25, क्या क्या मिलता है आपको? पहला मिलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, पहला आपको फायदा मिलता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस। और क्या मिलता है? फ्रीडम ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोफेस, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेस। ठीक है, तीसरा क्या मिलता है आपको? फ्रीडम टू प्रोपगेट, फ्रीडम टू प्रोपगेट। बढ़िया, हाँ क्लियर है। अच्छा, क्या ये अधिकार आपके फॉरनर को है क्या? 15, 16, 19, 29, 30, यही वाला था ना, 15, 16, 19, 29, 30, ये केवल किसके लिए था? केवल नागरिक के लिए है, तो इसमें तो ये नहीं आता, इसमें ये नहीं आता, इसीलिए मैंने कहा था कि यहां पर पर्सन का इस्तेमाल हुआ है, पर्सन का यहां पर इस्तेमाल हुआ है। बढ़िया, ठीक है, एक बात और, यहां पर धर्म में आपको जो केवल बिलीफ नहीं है, प्रैक्टिसेस भी यहां पर मेंशन किए गए हैं। मतलब कि अगर आप हिंदू धर्म की बातों को मानते हैं तो आप हिंदू धर्म के जो प्रैक्टिसेस हैं उनको भी मानते हैं। तो आप मूर्ति पूजा करते हैं, ध्यान सुनिएगा, आप मूर्ति पूजा करते हैं, आप केवल जप यप करते हैं, योग करते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो आपका मैटर है। आप किस तरह से अपने धर्म को मानते हैं, फॉलो करते हैं, ये आपका मुद्दा है, ये मेरा मुद्दा नहीं है। तो यहां पर क्या करता है ये आर्टिकल 25 कवर्स, आर्टिकल 25 कवर्स व्हाट? रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, बिलीव्स प्लस प्रैक्टिसेस, मतलब रिचुअल्स, रिचुअल्स। ठीक है, हाँ, यहां पर ये दोनों को, सिटीजन नॉन सिटीजन दोनों को अवेलेबल है, सिटीजन प्लस नॉन सिटीजन। ये मैंने क्यों इंफेसाइज किया यहां पर नॉन सिटीजन पर, क्योंकि आपको ये सोच के लगेगा कि सर अगर हम किसी विदेशी को भी राइट टू प्रोपोगेट दे देंगे तब तो कोई भी धर्म का आदमी आकर के हमारे यहां धर्म प्रसार करेगा, है कि नहीं है? किसी भी धर्म का आदमी आकर के यहां प्रचार प्रसार करेगा। तो ये सोच करके आप ये ना टिक मार दें कि नहीं केवल नागरिक को ही है, इसीलिए मैंने यहां पर एम्फेसाइज किया है कि हाँ दोनों को, नॉन सिटीजन को भी ये अधिकार दिया गया है। क्लियर है बात? ठीक है ना, हाँ, मगर इस पर कुछ
कुछ कुछ इस पर रिजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। क्या क्या है? अच्छा, ये क्यों लिखवाते हैं रिस्ट्रिक्शंस? क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शंस संविधान में लिखे गए हैं, केवल उन्हीं रिस्ट्रिक्शन, उन्हीं ग्राउंड के आधार पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, उसके फालतू ग्राउंड पर नहीं। समझ गए बात? हाँ जी। जैसे कि मोरालिटी है, पब्लिक ऑर्डर है, हेल्थ हो गया, पब्लिक ऑर्डर हो गया, मोरालिटी हो गया। बढ़िया। यहां पर अगर नागरिकों को अधिकार दिया गया है तो गवर्नमेंट को भी अधिकार दिया गया है। गवर्नमेंट कैन रेगुलेट रिस्ट्रिक्ट, गवर्नमेंट कैन रेगुलेट रिस्ट्रिक्ट एनी ऑफ द फाइनेंशियल, पॉलिटिकल एंड अदर एक्टिविटीज जो संबंधित हैं किसी धार्मिक प्रैक्टिस से। ठीक है, एक बात और, गवर्नमेंट को आपके धार्मिक मुद्दों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया गया है। क्यों दिया गया है सर? गवर्नमेंट को आपके धार्मिक मुद्दों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार क्यों दिया गया है? समझ गए बात? क्या कारण है? ताकि स्थिति ना बिगड़े। और थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो थोड़ा सा। कुरीतियों की वजह से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लोज हो। सारी परेशानी की जड़ है रिलीजन। थोड़ा सा और फॉर्मल शब्दों में लिखिएगा उजाला जी, इतना ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाना है। हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो अधिकांश कुरीतियाँ हैं वो धर्म से ही जुड़ी हुई हैं, धर्म में ही अपना सोर्स खोजती हैं, धर्म में ही अपना सोर्स ढूंढती हैं। जैसे कि पहले था सती प्रथा, है कि नहीं? अभी है जातिवाद, वर्ण व्यवस्था। वर्ण वगैरह कहाँ से आया? वर्ण का क्या दलील देते हैं लोग? लोग दलील क्यों देते हैं कि वर्ण में ऊंचा है नीचा है? क्यों कहते हैं ऐसा? एक मान्यता है कि जो इंसान है वो पैदा हुआ है ब्रह्मा से। सुने बाप, ब्रह्मा से पैदा हुआ है और ब्रह्मा के अलग अलग अंगों से चारों वर्ण निकले हुए हैं। कोई मुख से निकला है, कोई कहीं से निकला है। तो हम शरीर के जिस अंगों को उत्तम मानते हैं, वहां से जो निकला है वो उच्च वर्ण हो गया। एक कही गई बातें हैं, वैसे तो सभी अंग समान है, पता ही है आपको। ठीक है, क्लियर है बात? तो ये सब जो अनर्गल बातें हैं सब धर्म में ही हैं। तो वर्ण, जाति सभी अपना सोर्स धर्म में ही पाती हैं। चूंकि कुरीतियां धर्म से ही निकली हुई हैं तो धर्म को रिफॉर्म करना जरूरी है, धर्म को रिफॉर्म करना जरूरी है। इसी कारण से गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया गया है कि आप धर्म को रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी समय है मॉक इंटरव्यूज का। यूट्यूब पर आपको ढेर सारे जो मॉक इंटरव्यूज होंगे ना, वो दिखते होंगे अलग अलग टॉपर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर जो ओपिनियन हम डेवलप कर रहे हैं, जो बातें मैं कह रहा हूँ, वही सब बातें आपको हेल्प करती हैं उन सब सवालों का जवाब देने में। समझ के बात? किताब में सारी बातें नहीं लिखी गई हैं। ये सब जो डिस्कशन है ना, डिस्कशन सुन करके आप मेच्योर होते हैं। मेच्योर मतलब कि क्या? आप अनुभवी होते हैं, और यही अनुभव आपका काम देता है एग्जाम हॉल में आपके इंटरव्यू पैनल के सामने। किताब तो खैर है ही, आज किताब तो हम पढ़वा ही दिया है मैंने टारगेट वाले में। समझ गए बात? जो डिस्कशन कर रहे हैं उसमें नहीं था टारगेट वाले में। सबरीमाला वाला प्रैक्टिस, सबरीमाला वाला जो केस है उसमें क्या कहा गया है? हाँ, वो तो अलग केस है। उसमें संवैधानिकता मतलब कि अलग अलग अधिकार जो हैं वहां पर कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। सबरीमाला वाला केस में
आपका राइट टू रिलीजन भी कन्फ्लिक्ट कर रहा है और आपका राइट टू इक्वालिटी भी कन्फ्लिक्ट कर रहा है। बात बस ये है कि आप किसको प्रायोरिटी देते हैं, किसको ऊपर रखते हैं आप, ठीक है। हाँ, शब्दों को कैसे बोलना है, यूज करना है, ये सीखते हैं। जैसे कि उजाला, उजाला ने कहा, क्या कहा था अभी उन्होंने, अभी मैंने बताया ना कि सभी परेशानी की जड़ धर्म है, तो ऐसे नहीं बोलना है आपको, ठीक है ना, ठीक से बोलना है। एज एन ऑफिसर आपके शब्द जो होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। सर तो इसका क्या जवाब हो सकता है, ज्योति जी क्या पूछ रही हैं सवाल आप। सर सबरीमाला वाला केस कितना सही जजमेंट कितना गलत। अब देखो, सबरीमाला का जो जजमेंट है वहां पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है और आप फैसले को आप सपोर्ट करेंगे, आपको उसके अगेंस्ट नहीं जाना है, बात बस सिंपल सही है, ठीक है। क्लियर कट स्टैंड ना देना इंटरव्यू में, ना 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 एकदम लेना है क्लियर कट स्टैंड, आपके इंटरव्यू में लेना है जहां पर आपको लेना चाहिए, ठीक है। बचना नहीं है डिसीजन लेने से, डिसीजन लेने से कतराना नहीं है, क्योंकि अगर आप कतराएंगे डिसीजन लेने से तो माना जाएगा कि आप डिसीजन मेकर के रूप में सही से काम नहीं कर पाएंगे। जिलाधिकारी बनोगे, निर्णय ही नहीं ले पाओगे तो कहले तो काहे के लिए बनाया तुमको डीएम, समझ रहे बात। डिसीजन लेने से बचना नहीं है, बस ध्यान रखना कि कोई गलत डिसीजन ना ले लो वहां पर ऑन द स्पॉट, तुम में आ जाएगा। जब आप उस लायक होंगे कि आप इंटरव्यू फेस करने लायक बनेंगे, तब तक आप उतनी मेच्योरिटी आ गई होगी, क्योंकि आपने मेंस पास कर लिया होगा उस टाइम तक, है कि नहीं। हाँ, एक बात और, जब हम मान लो किसी ने क्वेश्चन पूछा, पैनल ने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने देखा है कई सारे लोग तुरंत बोलना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन पूछा दनादन बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं करना है। जब क्वेश्चन पूछे तो कुछ सेकंड रुकना है, कुछ सेकंड रुकिए, क्योंकि आप जो बोलेंगे उसके आधार पर आपको जज किया जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो थोड़ा सा रुको, जैसे कि सवाल पूछा कि सबरीमाला वाला केस जो है वो आपके हिसाब से कहां तक सहमत हैं। सर मेरे हिसाब से जजमेंट है वो सही है, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने जो दलील दी है इस जजमेंट के भीतर वो सभी मतलब कि रैशनल, जैसे कि इसमें हैं पॉइंट्स हैं और मैं उससे सहमत हूँ, तो मैंने थोड़ा सा बीच में गैप लिया हल्का सा, ठीक है ना, मैंने कोर्ट को सपोर्ट किया। हाँ, अगर आपने कोर्ट की बातों से असहमत होते हैं तो आपको वहां पर एक पॉइंट ऐड करना चाहिए कि हाँ सर कोर्ट ने कहा तो ठीक है उससे हम सहमत हैं, मगर मेरे हिसाब से धर्म का जो ये पॉइंट है उसको भी थोड़ा सा ज़्यादा इन्फ्लुएंस देना चाहिए था, समझ गए। मेरे को लगा स्टक हो गया, अरे स्टक नहीं हुआ था, वो पॉज लिए थे सोचने के लिए कि हाँ क्या बोलना है। ये आपका हो गया आर्टिकल नंबर 25, ठीक है। एक बात और, आर्टिकल नंबर 25 को देखते हुए ही सिख को आर्मी में भी पगड़ी पहनने का, दाढ़ी रखने का जो छूट है वो दिया गया है, देखा है आपने। सारे जो आपके जवान हैं हमारे, एकदम ऐसा बाल रहेगा, दाढ़ी एकदम क्लीन शेव रहेगा, है कि नहीं। आर्मी में जाते ही पहले छटाई होती है, ठीक है जंगलों की सख्त, क्लियर है। फिर होता क्या है, मगर जो पंजाबी होते हैं उनको छूट दिया गया है दाढ़ी का, ये यहाँ पर पगड़ी का है ना, कृपाण रखने का छूट दिया गया है उनको, तो यहाँ पर ये सब हाँ उनका कल्चर है, उनका धर्म का पार्ट है, उनके धर्म के पार्ट है। पांच का है ना, केश कड़ा कच्छा कंघा, ये सब तो यहाँ पर ये सब उनके धर्म का पार्ट है, इसीलिए उनको अलाउ किया गया है, क्लियर है। हाँ बढ़िया, चलो अगला हमारा क्या है, अगला आपका है आर्टिकल नंबर 26। यही तो मुद्दा अटकता है, यही तो मुद्दा अटकता है। आर्टिकल 26 कहता है राइट, फ्रीडम टू मैनेज व्हाट रिलीजियस अफेयर, धार्मिक अफेयर्स।
आपको धार्मिक मुद्दे को मैनेज करने का अधिकार है। किनको अधिकार है? हर धार्मिक डोमिनियन को, ठीक है, एवरी एवरी रिलीजियस और इट्स सेक्शन, धर्म को भी और उसके सेक्शंस को भी, धर्म को भी और उसके सेक्शन को भी। फॉर एग्जाम्पल, हिंदू धर्म में ही जो रामकृष्ण मिशन है, आनंद मार्ग है, इनको डोमिनियन का दर्जा दिया गया है, ठीक है। हाँ, जो आपका यहाँ पर रामकृष्ण मिशन है, जो आनंद मार्ग है, इन दोनों को हिंदू धर्म के भीतर धार्मिक डोमिनियन के रूप में सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दिया है, ठीक है। मगर आपका जो अरबिंदो सोसाइटी है, जो अरबिंदो समाज है, ये नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये आपका धार्मिक डोमिनियन नहीं है, क्लियर है। तो इनको अपना जो धार्मिक अफेयर है, ये इनको मैनेज करने का अधिकार दिया गया है। बढ़िया। जैसे कि आपका आर्य समाज है, इन सब का एक अपना मान्यता है, इन सब का अपना एक आइडियोलॉजी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके जो यहाँ पे राजाराम मोहन राय जी का जो ब्रह्म समाज है, उनमें क्या है, मूर्ति पूजा वगैरह वो लोग फॉलो नहीं करते, जाति प्रथा फॉलो नहीं करते, वो सब एकेश्वरवाद में बिलीव करते हैं। पढ़े हो ना, राजा राम मोहन राय जी, उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, उनके बाद उनका सब अलग अलग बट गया था, है ना, साधारण ब्रह्म समाज ऐसा करके, है कि नहीं, क्लियर है। अरबिंदो समाज जैसे कि है ना, अलग अलग ब्रह्म समाज, आर्य समाज, वैसे ही आपका एक अरबिंदो समाज है। तो इनको डोमिनियन नहीं माना गया है, रामकृष्ण मिशन को माना गया है, आनंद मार्ग को माना गया है, क्योंकि अपना एक अलग इनका। अच्छा, किनको बोलेंगे धार्मिक डोमिनियन, किनको बोलेंगे? सुप्रीम कोर्ट के अनुसार रिलीजियस डोमिनियन किन्हें बोलेंगे, किन्हें बोलेंगे? पहला, यहां पर कुछ लोग होंगे जहां पर एक सिस्टम ऑफ बिलीफ होगा, सिस्टम ऑफ बिलीफ होगा, मतलब इनका आइडियोलॉजी होगा, इनका डॉक्ट्राइन होगा। फॉर एग्जाम्पल, आर्य समाज मैंने बताया, आपका जो ब्रह्म समाज है, इनका अपना डॉक्ट्राइन है, मूर्ति पूजा नहीं मानते, है ना, पहला तो ये हो गया। दूसरा, इनमें संगठन होना चाहिए, संगठन होना चाहिए, इनका कॉमन एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जैसा कि आपका आर्य समाज ब्रह्म समाज का है। डॉक्ट्राइन मतलब कि आपका जो मानते हैं, आपकी जो सोच है वो, ठीक है ना, प्रतीक्षा, जिनका एक अलग मत और प्रिंसिपल होंगे। हाँ, जैसे कहते हैं ना मतावलंबी, मतलब उस मत को मानने वाले, सिद्धांत कह सकते हैं उसको। हाँ, बिल्कुल सही, सिद्धांत, आपका एक अपना सिद्धांत है, डॉक्ट्राइन है, ठीक है। आपका एक अपना अलग नाम होना चाहिए, अलग एक नाम भी होना चाहिए, ठीक है। साउथ में मैंने एक धर्म का नाम बताया था, जो हिंदू धर्म के हैं, शिव की पूजा करते हैं, और वो कहते थे कि हमको हिंदू से एक अलग धर्म की पहचान है वो दी जाए। कर्नाटका में है शायद, लिंगायत, बहुत अच्छे, कस्तूरी बहुत बढ़िया, भानु, अमन, लिंगायत। तो लिंगायत की भी एक अपनी एक अलग आइडियोलॉजी है, उनका भी एक अलग डॉक्ट्राइन है, समझ गए बात।
अगर लिंगायत के जो आइडियोलॉजी है, लिंगायत के जो सिद्धांत हैं, इनको अगर शब्दशः पालन कर लिया जाए तो ये जो लिंगायत होंगे दुनिया के सबसे बेहतरीन धर्मों में से एक होंगे। एक क्या होंगे, सबसे बेहतरीन धर्म ही होगा वो एक तरह से, समझ के बात। अगर उसकी बातों को सही सही पूरी तरह से कर लिया जाए, मतलब इंप्लीमेंट कर दिया जाए, तो सर क्या हिंदू धर्म सबसे बेहतर धर्म नहीं है? नहीं, नहीं है। हिंदू धर्म से बेहतर फॉर्म है लिंगायत का, वो हिंदू धर्म का ही पार्ट है, हिंदू का ही पार्ट है, मगर वो हिंदू धर्म से बेहतर, मतलब कि हिंदू धर्म में अगर आप कुरीतियों को निकाल दें, हिंदू धर्म की जो आप खराब बातें हैं वो निकाल दें, तो जो बातें निकल करके आएंगी वो लिंगायत है, वो लिंगायत है। फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्ण व्यवस्था हटा दिया, जाति प्रथा हटा दिया, मूर्ति पूजा हटा दिया, 20 करोड़ देवी देवता हटा दिया, तो जो छठ करके जो आपका बढ़िया सा रूप निकल के आता है हिंदू धर्म का, आडंबर है ना, जो पंडित जी आते हैं यज्ञ कराते हैं, आपको पता है, आप जब कथा सुनते सत्यनारायण भगवान की तो ध्यान से सुनिएगा उसमें क्या क्या बातें पंडित जी कहते हैं, डराते हैं एक तरह से, ध्यान से सुनिएगा क्या क्या बातें पंडित जी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपके, अगर इन सबको हटा देंगे तो हिंदू धर्म का एक जो प्योर फॉर्म निकल के आता है वो धर्म, वो चीज है ना, वो लिंगायत है, ठीक है। हाँ, अरे किसी के फॉलोवर रहे, भावेश्वर के हों किसी के हों, क्या फर्क पड़ता है, मगर उनकी जो बातें हैं वो बहुत अच्छी हैं, उनको पढ़ करके देखिएगा। मैंने क्वेश्चन कराया है उस पर लिंगायत पे, मैंने क्वेश्चन के जरिए उसको पूरा कवर कर दिया है, समझ बात, मैंने उस पर नोट्स भी लिखवाए हैं। तो ये आपका हो गया कि धार्मिक डोमिनियन कौन कौन से होंगे। अब लिखो आर्टिकल 26 के अंतर्गत आपको अधिकार कौन कौन से मिलेंगे। आपके पास अधिकार है कि आप अपना जो धार्मिक संस्था है उसको आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्टैब्लिश एंड मेंटेन, स्टैब्लिश कीजिए, स्टैब्लिश कीजिए, मेंटेन कीजिए धार्मिक संस्थाएं, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप। आपका जो अपना अफेयर धर्म में वो मैनेज करेंगे, मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन मैटर ऑफ, यही दलील दिया था सबरीमाला टेम्पल ने, यही दलील दिया था कि आपने जो हमको अधिकार दिया है अपने धर्म को अपने हिसाब से मैनेज करने का, वो अधिकार कहाँ गया? तो कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे अधिकार के ऊपर है राइट टू इक्वालिटी, इसी कारण से। अब ये तो डिपेंड करता है जज पे कि वो किसको ऊपर मानता है, किसको नीचे मानता है। हो सकता है कि इस जजमेंट को रिव्यू करने के लिए कहा जाए, कोई जो पेटिशन है, रिव्यू पेटिशन फाइल किया जाए और अगला जज इसको पलट दे, अगला जज इसको ये कह दे कि नहीं, सबरीमाला को अपना जो धर्म है उसको पालन करने का अधिकार है कि नहीं, ठीक है। तो यहां पर एक बात और सुनो, आर्टिकल 25 जो है वो आपके इंडिविजुअल के अधिकार को, इंडिविजुअल का अधिकार है इसको बचाता है, मगर आर्टिकल 26 ये किसकी बात करता है, ये डोमिनियन की बात करता है, ये किसी संगठन की बात करता है, ये कम्युनिटी की बात करता है ना। जो सेक्शंस हैं, सेक्शंस हैं, डोमिनियन है उसके अधिकार की बात करता है, ना कि इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल अधिकार की बात नहीं करता। हाँ जी, 11 बजे क्लास है, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आर्टिकल नंबर 25 और आर्टिकल नंबर 26। मन तो था कि खत्म कर दे फंडामेंटल राइट, आज कर देंगे, इसको कर देते हैं, चलो देखते हैं अगली क्लास में भी कुछ कुछ सवाल करेंगे, कुछ निपटा देंगे। हाँ, करवा देंगे आज, क्योंकि देखने वाला तो तुम ही लोग हो, चाहे इस क्लास में हो चाहे उस क्लास में हो, क्लास का नाम चेंज होगा और कुछ तो होगा नहीं, ठीक है। चलो थोड़ा सा पानी वानी पी लो, फिर से अगले क्लास में मिल जाओ, वहां पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग तुरंत अपने आगे की ओर बढ़ेंगे। बढ़िया,
73% लोगों ने कहा है फंडामेंटल राइट कंटिन्यू किया जाए, बहुत बढ़िया। चलो तो हम लोग फंडामेंटल राइट कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर वाइज लक्ष्मीकांत करवाएंगे, तो लक्ष्मीकांत तो हम लोग पूरा कवर करते ही हैं। लक्ष्मीकांत के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट के केसेस हैं वो डिस्कस करते हैं, जो भी करेंट के डिबेट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। लक्ष्मीकांत में सबरीमाला का मेंशन नहीं है, समझ के बात। हाँ बिल्कुल बात, सही बात है। अगर फैक्ट क्लियर होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं फंडामेंटल राइट का एमसीक्यूज दूंगा, अब कुछ छूटेगा क्या? देख चुके हैं आप लोग, धुआं उड़ा चुके हैं उसमें, ठीक है ना। चलो तो कॉपी निकाल लो आप सभी लोग, हम लोग आगे अपनी बातें करते हैं। तो हमने 25-26 कर लिया है, बात अब है 27 की। अब एकदम छोटे छोटे फंडामेंटल राइट हैं, कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि समझ गए बात। हाँ बढ़िया। तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो करना क्या, एक रुक जाए काम कर लो, थोड़ा सा दोबारा कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फंडामेंटल राइट वाले, मैंने ऐड कर दिया है सवाल, ठीक है। ये तो कर लिया था हमने, ये भी कर लिया था हमने। देखो कौन कौन से अमेंडमेंट आप सिंपल मेजोरिटी से कर सकते हैं, जो आपका राज्य बनाना हुआ, नाम चेंज करना हुआ, बाउंड्री वगैरह चेंज करनी हुई, वो सारे काम आप सिंपल से करेंगे। ध्यान सुनिएगा, जो भी संशोधन आप सिंपल मेजोरिटी से करेंगे वो आर्टिकल 368 के अधीन नहीं आएगा। क्लियर है? आप जो लिस्ट काउंसिल है वो बनाना चाहते हैं, अबॉलिश करना चाहते हैं, यूं क्यों न्यूज आया है सर? क्योंकि जो आपका आंध्र प्रदेश है, आंध्रा ने कहा है कि मेरे यहां का जो विधान परिषद है, जो काउंसिल है, इसको अबॉलिश कर दो। आंध्र प्रदेश ने क्या कहा है, मेरे यहां का जो विधान परिषद है उसको अबॉलिश कर दो। कौन कौन राज्य में था? बिहार यूपी दो राज्य यहां पर हो गया, महाराष्ट्र और कर्नाटका दो राज्य यहां पे हो गया, फिर आपका हो गया कौन सा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, है ना। तो आंध्र प्रदेश ने क्या कहा है कि हमारे यहां को अबॉलिश कर दो। पार्लियामेंट में कोरम, कोरम क्या होता है? कोरम का मतलब यह है कि कितने लोग रहेंगे कि पार्टी बनेगी, कितने लोग चाहिए सदन की कार्रवाई के लिए, कम से कम कितने लोग चाहिए बाबू, कम से कम कितने लोग चाहिए? 1/10। अरे 1/10 का मतलब यही ना है 10%, और क्या है। 1/10 में 100 गुना करो ऊपर, 100 गुना करो नीचे, तो 10 से सुनना कट गया, 10/100 आ गया। 100 मतलब क्या होता है यहां पर, परसेंट होता है ना, ठीक है, बढ़िया, क्लियर है। तो यहां पर आपकी बातें हैं, पार्लियामेंट का जो रूल प्रोसीजर है इसको अमेंड करना हो तो, एमपी का सैलरी और अलाउंस, ये भी न्यूज में था, एमपी साहब ने खुद ही कानून को अमेंड करके अपना सैलरी बढ़वा लिया। सोचो अगर ऐसा होता कितना मजा होता, सुमंत सर अपना सैलरी बढ़वा लिए होते हैं अकेडमी में डब से, एकदम मजा ही मजा है कि नहीं, है ना। तो पार्लियामेंट का, इसके मेंबर्स का, इसकी कमेटी का जो प्रिविलेज है इसको भी अमेंड कर सकता है। जो पार्लियामेंट का जो विधानसभाएं हैं उनका चुनाव, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, ये क्यों न्यूज में है सर? डिलिमिटेशन का ही न्यूज में है, बता सकते हैं आप? जम्मू कश्मीर जो राज्य है उसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया है, समझ गए बात, क्या किया गया है वहां पर जो सीटें हैं वो रीअरेंज करी जा रही हैं कि लोकसभा में कितने लोग चुन करके जाएंगे इन दोनों से। एक बात और, दमन दीव का जो राज्य है ना, जो आपका यूटी है, दमन दीव और नागर हगर, ये इसका नागर हवेली जो आपका यूनियन टेरेटरी है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है और वो एक ही यूनियन टेरेटरी है अब। तो बताओ
भारत में कुल कितने राज्य? भारत में कुल कितने राज्य? बहुत अच्छे, भारत में कुल कितने यूटी? अरे बेइज्जती हो जाएगा नहीं बताओगे तो, और बेइज्जती कहाँ होगी? आपके घर परिवार में होगी। जो चाचा ताऊ मामा वगैरह होता है ना, वो आपसे संविधान का आर्टिकल नहीं पूछेगा क्योंकि उसको खुद पता नहीं है, मगर उसने कहीं अखबार में पढ़ा होगा कि हाँ राज्य कम हुआ है, यूटी बढ़ा है, वो पूछेगा। तो आपके परिवार वाले पूछ दें और आप ना बता पाए तो ये बेइज्जती जो है असहनीय होगी। वो सीधे इल्जाम लगा देंगे, तुमको तो राज्य और यूटी भी नहीं पता, तुम कहाँ बनोगे आईएएस? समझ गए? तो यहां पर समस्या की बात हो जाएगी। पहले था 7, 2 को बन गया कश्मीर और लद्दाख, मगर 2 को मर्ज करके 1 बना दिया गया, मतलब 1 माइनस हो गया, कितना हो गया जी? 8 टोटल यूटी हैं। याद रहेगा ऐसे? अब अगर नहीं भी याद है, पुराने वाले मुद्दे में जी रहे हैं आप। 7 पहले था, कश्मीर लद्दाख 2 और बन गया, टोटल 9 हो गया, 9 में से 2 को मर्ज कर दिया गया तो 8 हो गया। बस यही करना है, और क्या करना है? तुम अगर तुम एक्सप्लेन कर दिए तो मामा जी और खुश। वाह, है कि नहीं बात? चलिए, लड़का यस बन जाएगा, इसके लिए कनाई ढूंढना शुरू करते हैं, है ना? बढ़िया, ठीक है ना? मामा जी तो है ना अपने चक्कर में, है कि नहीं? चलो अगला सवाल है। संवैधानिक अमेंडमेंट एक्ट इज ऑल्सो ए लॉ विदिंग द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन किया गया है, याद है? आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन किया गया है। उन्होंने क्या कहा था? कोई कानून जो पार्लियामेंट ने बनाया हो, राज्य की विधानसभा ने बनाया हो, एग्जीक्यूटिव का रेगुलेशन हो, रूल हो, कोई गाइडलाइन हो, कुछ भी हो, अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। बात क्लियर? कहा था कि नहीं कहा था? अब सवाल उठी थी कि सर ये जो लॉ है क्या इसमें संवैधानिक अमेंडमेंट एक्ट आता है क्या? अगर आता है तो ये फंडामेंटल राइट को वायलेट करने के कारण इसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। समझ रहे बात? अगर ये लॉ कहलाएगा तो इसको भी स्ट्राइक डाउन कर दिया जाएगा। अगर ये लॉ नहीं कहलाएगा तो ये फंडामेंटल राइट वायलेट करे, चाहे कुछ भी करे, इसको हम लोग स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। कॉन्सिक्वेंस समझ रहे हो बाबू? कॉन्सिक्वेंस समझ रहे हो क्या 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 हो जाएगा यहां पे? ठीक है, तो किस केस में कहा गया था कि संवैधानिक अमेंडमेंट एक्ट भी एक कानून है आर्टिकल 13 के अंतर्गत? बताना जल्दी से जरा। पोल 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 गया, पोल पहुंच गया, पोल ठीक है, बढ़िया। मैंने तीनों चारों केसेस पहले एक्सप्लेन कर दिया है। ये पोल का बहुत इश्यू हो रहा है आज, नहीं पोल डिले से जा रहा। पोल गया है, पोल गया है। नीलाक्षी जी ठीक है, 9th शेड्यूल है क्या सर? 9th शेड्यूल कहाँ से? वो तो पहला अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। जो 9वां शेड्यूल है उसको ऐड किया गया था पहले संशोधन के जरिए, याद है? कौन सा साल था? बढ़िया, 1951।
ठीक है, बहुत अच्छे। मुस्कान, साक्षी, आशा, श्री, रवि, पीयूष, रोशन, सम्राट, कस्तूरी, राजशेखर झा। बहुत बढ़िया। गोलखनाथ केस में ये बातें कही गई थी। गोलखनाथ बाबा ने क्या कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने गोलखनाथ केस में क्या कहा कि जो फंडामेंटल राइट है वो क्या है, ट्रांसीडेंटल है, इम्यूटेबल है। समझ गए बात। फंडामेंटल राइट को आप पार्लियामेंट नहीं कर सकते वायलेट। पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ दीज राइट। पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे एनी ऑफ फंडामेंटल राइट। ये गोलखनाथ केस में कहा गया था। इसके बाद कौन सा आया था, केशवानंद भारती। केशवानंद भारती में क्या कहा गया, तुमको जो फंडामेंटल राइट लेना है ले लो, मगर जो बेसिक फीचर वाला है वो मत लेना। ठीक है, जो बेसिक फीचर वाला है वो मत लेना। गोलखनाथ ने यह कहा था कि संवैधानिक अमेंडमेंट एक्ट भी लॉ का डेफिनेशन के भीतर आता है, ये भी लॉ के डेफिनेशन के भीतर आता है, इसीलिए अगर आप फंडामेंटल राइट को वायलेट करेंगे तो आपको बस स्ट्राइक डाउन कर देंगे। तो पहला आपका जो ऑप्शन है वो सही है, ए इज द करेक्ट आंसर, गोलखनाथ केस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात, ठीक है। जिन्होंने फंडामेंटल राइट की पहली क्लास करी थी वहां मैंने दिखाया था कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे, वहां पर मैंने केसेस लिस्ट किए थे, फंडामेंटल राइट वाइज मैंने केसेस लिस्ट किए थे, वहां पर मैंने सारी बातें वहां पर डिस्कस करी थी ये सब। हाँ, गवर्नर तो पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो अगला सवाल है आपका, इनमें से कौन सा कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है ग्रेनविल ऑन्स्टिन के द्वारा। ठीक है, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, पार्लियामेंट, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किन्हें कहा गया है। अगर मैं ये नहीं भी लिखता इनका नाम तब भी ऑप्शन आंसर वही होता। ठीक है, आराम से आप लगा सकते हैं इसका आंसर। बढ़िया, चलो जवाब देना इसका। ध्यान से, मुस्कान, रमनदीप, सुमन, सफी, साक्षी, बहुत अच्छे, धनाधन आंसर आ रहे हैं। पीयूष, अश्विनी, राहुल, रामगोपाल, पीके, मोनी, अभिनव, ज्योति, अमन, प्रतीक्षा, दैदिप्य, सनी, अविनाश, अंकित, दिव्यांशु, रंजीत, इमराना, देवाशीष, ठीक है, रवि, संबित, यूजर, अंजलि, मंगला, चंदन, रोशन, कैरी, अंबेडकर, बढ़िया। स्लाइड नहीं आ रहा है तो ऐप को बंद करके एक बार चालू कीजिएगा, इंटरनेट का समस्या होगा, क्योंकि नेट स्लो होता है तभी स्लाइड नहीं आती, आवाज़ आती रहती है, मैं नहीं दिखूंगा, स्लाइड नहीं दिखेगा, बस इंटरनेट के कारण, और कोई कारण नहीं है। ठीक है, बढ़िया। मुस्कान, साक्षी, सफी, सुमन, पीयूष, अभिनव, प्रतीक्षा, दिव्यांशु, रवि, रामगोपाल, बहुत अच्छे। तो यहाँ पर आपका जो मौलिक अधिकार है और डीपीएसपी हैं, दोनों को कंबाइन रूप से आपका कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है। क्या माना गया है, कॉन्साइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना गया है ग्रेनविल ऑन्स्टिन जी के द्वारा। अगर सर की दिक्कत होती तो हाँ, सबको दिक्कत होती, अगर यहाँ से कोई टेक्निकल दिक्कत होती तो सब लोग चिल्लाते, है ना। बढ़िया, ठीक है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी बातें सही हैं राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में। इनमें से कौन सी बातें सही हैं राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में, ध्यान से जवाब दीजिएगा इसका। क्या ये एक संवैधानिक अधिकार है, इफ राइट इज वायलेटेड सुप्रीम कोर्ट कैन इशू अ रिट जुरिडिक्शन। क्या आपका राइट टू प्रॉपर्टी वायलेट होने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है क्या। रिट 5 पढ़ने हैं आपको, है ना। क्या इस अधिकार को डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, ध्यान से जवाब दीजिएगा इसका। क्या आंसर है, आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं।
मगर ये आपको ज़्यादा मज़ा आता अगर मैंने पहले आर्टिकल नंबर 32 पढ़ा दिया होता तो। कोई बात नहीं, अगर गलत होता है तो आपको ये माफ़ी होगी, बस ध्यान से कर लेना। हाँ ठीक है, चलो जवाब इसका क्या है। ठीक है, बढ़िया। मुस्कान, रविशंकर, पीयूष, सोमन, सबत। ठीक है, एक दिन करेंगे क्या, केवल पॉलिटिक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, पॉलिटिक एमसीक्यू सॉल्व करेंगे बैठ करके, सारा खाली पॉलिटिक। ठीक है, मुस्कान, पीयूष, सोमन, प्रतीक्षा, रवि, दिव्यांशु, रोशन, साक्षी, दीपशिखा, अश्विनी। बहुत अच्छे। राइट टू प्रॉपर्टी संविधान के कौन से आर्टिकल में जिक्र है इसका? आर्टिकल नंबर 300A, 300A, मतलब कि ये अब पार्ट 3 में नहीं आता, पार्ट 3 में ये नहीं आता, मतलब कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है। क्लियर बात है? चूंकि ये संविधान में मेंशन्ड है तो इसीलिए ये संवैधानिक अधिकार है, ऑब्वियस सी बात है। अब किसी ने पढ़ लिया लीगल है, चूंकि ये आपका संविधान लॉ ऑफ द लैंड है, बेसिक फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है, तो कहीं कहीं लिखते हैं लीगल राइट, मगर चूंकि संविधान में अधिकार है तो कंस्टिट्यूशन राइट तो है ही। आपका जो राइट टू वोट है वो भी क्या है? संवैधानिक अधिकार है, ऑब्वियस ये बात है ना? तो ये आपका संविधान में दर्ज है, संवैधानिक अधिकार है। क्या फंडामेंटल राइट संवैधानिक अधिकार है क्या? इस डिफिनेशन से क्या मौलिक अधिकार है संवैधानिक अधिकार? बिल्कुल है, क्यों नहीं है? संविधान के द्वारा दिया गया है, संवैधानिक अधिकार है। बस अंतर यह है कि वो पार्ट 3 में मेंशन्ड है, इसीलिए वो फंडामेंटल राइट भी है, फंडामेंटल भी है। समझ रहे हो? क्या समझे? ना 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 ना, बेसिक फीचर में सब नहीं है, सारे फंडामेंटल राइट बेसिक फीचर नहीं है, समझ के बात। तो चूंकि ये पार्ट 3 में नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। आर्टिकल 32 जब मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, आर्टिकल जब मैं 32 पढ़ाऊंगा आपको, तो यहां पर कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट इन्फोर्स करने के लिए रिट जारी करेगा। हाई कोर्ट किसी चीज को भी, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो, चाहे वो कोई और मुद्दे हो, सबको इन्फोर्स करने के लिए रिट जारी कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि रिट के मामले में हाई कोर्ट ज्यादा वाइड पावर रखता है सुप्रीम कोर्ट के मुकाबले। मगर कौन स्ट्रांग है, सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट? ठीक है, हाई कोर्ट के पास कितना भी ब्रॉड पावर हो जाए वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे ही रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की बातों को पलट सकता है, वो ऐसी बात है। तो अगर अधिकार वायलेट होता है तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू अ रिट जुरिस्डिक्शन, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। दूसरा सन्नाटा हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा सही है, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 78 था ना जी, पार्ट 3 में से निकाल करके अलग रख दिया गया। पार्ट 12 है ना, पार्ट 12 है शायद, यहां पर डाल दिया गया अनुच्छेद नंबर
300 A। ठीक है, 300 का है नहीं सर, 300 A क्यों, 300 पहले से होगा। जैसे कि आर्टिकल नंबर 21 पहले से ही था, तो आपका राइट टू एजुकेशन डाला गया था, किसे डाला गया था, 21 A डाला गया है कि नहीं है, क्या समझे। ठीक है, चलिए क्या आंसर हो गया आपका, 1 and 3, C इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन सी बातें गलत है फंडामेंटल राइट के बारे में। आइए जी, आधा घंटा तो बता दिए, अब पढ़ो, अब सवाल बाद में करेंगे अगली बार, पहले पढ़ लो, है ना। ये 23 मिनट खाली सवाले करते करते बिता दिए, पढ़ेंगे क्या। हाँ आज अब दोनों की बात रखनी होगी ना, जिन्होंने पोल जीता उनकी बातें रख ली, अब जिन्होंने पोल हारा उनकी बातें रखते हैं, अवश्य बात है। ठीक है, तो आपने आर्टिकल 25 पढ़ा, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, आर्टिकल नंबर 26 पढ़ लिया, संस्थानों वाला, कम्युनिटी वाला, आपका जो ये डोमिनियन है उनका वाला। 27 की बातें आएंगी, अब किस बातें आएंगी, 27 की बातें अब आएंगी। 27 क्या कहता है, आपको आपके धर्म के अनुसार आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन, किसी धर्म को प्रमोट करने के लिए टैक्स नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब ये है कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल किसी धर्म के प्रमोशन में नहीं होगा, क्या नहीं होगा, किसी सरकारी सरकारी पैसे का, टैक्स पेयर के पैसे का इस्तेमाल धर्म के प्रमोशन में नहीं होगा। चलो 27 नंबर आर्टिकल लिखो, बढ़िया क्या है, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ अ रिलीजन। बढ़िया, राम मंदिर बन रहा जो वो कैसे। हर संविधान की हर प्रोविजन अगर शब्दशः इंप्लीमेंट हो गई होती तो आज अछूत जो कहलाते हैं वो भी ना होते, समझ गए। क्या कहें, दुर्गति है, भारत बदल गया होता। एक बात और, कैग अपॉइंट करने के लिए एक कंडीशन होती है, क्या होता है कैग, अभी जो होम, नहीं, किनको किनको अपॉइंट किया गया था कैग, ना, इनको सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनको अपॉइंट किया गया था, ना, इसके पहले वाले में इशू आया था एक कि उनको, अरे इंडिपेंडेंस का मुद्दा था, महर्षि तो थे ही, महर्षि तो थे वो, इसके गृह मंत्रालय के सेक्रेटरी थे, हाँ अब रिटायर हो गए हैं कैग के पद से, बता देंगे उसको क्या है। हाँ, अरे मुर्मू तो पढ़ ही लिए हो तुम लोग, उनके पहले वाला में मुद्दा था, ठीक है ना, करा देंगे उसको, याद आएगा तब। ठीक है, क्या कहता है यहाँ पे कि नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। वही कहता है कि आपको फ्रीडम दिया जाएगा, आप पर कोई टैक्स नहीं लगाएंगे, मतलब कि स्टेट जो होगा वो पब्लिक मनी स्पेंड नहीं करेगा, स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी, स्टेट शुड नॉट स्पेंड पब्लिक मनी। ठीक है, कलेक्टेड थ्रू टैक्स, फॉर द प्रमोशन, प्रमोशन हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ठीक है ना,
ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, बढ़िया। हाँ, सनी ने कहा रंजन गोगोई। तो यहाँ पर कई सारे जो बातें हैं वो उठती हैं जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है उससे संबंधित। तो हम जब GS 2 के लिए पढ़ रहे होंगे ना अपना गवर्नेंस वाला सेक्शन, तो आपको पूछता है GS 2 में आपके सिलेबस का एक टॉपिक है इश्यूज रिलेटेड टू एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। GS 2 का आप जब सिलेबस पढ़ेंगे, एक बात और, जो 20 के लिए तैयारी कर रहे हो 2020 के लिए, तो आपके लिए तो खैर प्रीलिम्स के लिए ही पढ़ना है अभी जो भी समय बचा हुआ 40-45 दिन। जो 21 के लिए तैयारी कर रहे हो, सबसे पहले तुम मेंस का सिलेबस कवर करोगे, प्रीलिम्स का सिलेबस नहीं कवर करोगे। जो तैयारी कर रहे हो 2021 के लिए वो मेंस का सिलेबस कवर करोगे, ना कि प्रीलिम्स का। और ऑप्शनल तुम्हारा ख़त्म हो जाना चाहिए अभी दिसंबर जनवरी फरवरी के पहले तुम्हारा ऑप्शनल ख़त्म हो जाना चाहिए, कोशिश करो। सर ऑप्शनल का कहाँ से पढ़ें? एक तो होता तरीका खुद से पढ़ने का, सेकंड तरीका है आपका अनअकैडमी, थर्ड तरीका है टेलीग्राम चैनल है कैसा टेलीग्राम पर, वहाँ पर आपको वीडियोस मिल जाते हैं, कौन सा चैनल है सब पता है आपको, तो वहाँ से आप चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑप्शनल चूज कैसे करें, बहुत कन्फ्यूजन है ये, तुम्हारा समस्या बहुत गंभीर है। यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो हाउ टू चूज ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपको वीडियोस मिल जाएंगे, उसको देखिएगा। मगर ऑप्शनल चुनते वक्त सबसे बड़ी बात ये ध्यान देना कि तुमको अगर कहा जाए कि तुम 5 घंटा बैठ के पढ़ सकते हो उसको ऑप्शनल को, अगर आपका जवाब हाँ है तो उसको चुनिए, ठीक। मगर ये भी देखना कि क्या ऑप्शनल में से नंबर आ रहे हैं क्या, खाली टॉपर नहीं देखना है कि हाँ टॉपर तो रैंक 3 है रैंक 4 है, ठीक है, कैसा जा रहा है। फॉर एग्जांपल इस साल का जो हिंदी साहित्य का जो रिजल्ट है बहुत ही खराब है, हिंदी माध्यम का भी और हिंदी साहित्य का भी। सबसे बेहतरीन जो मार्क्स हमें दिखा है वो है 262, ये इंटरनल न्यूज़ है। सर कैसे पता इंटरनल? वैसे ही पता है जैसे मैंने बताया था कि 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने वाला है, याद है टेलीग्राम पर जो लोग होंगे उनको मैंने पहले ही बताया था, वो भी 4 जून के पहले, कि 4 जून को आपका डेट आएगा प्रीलिम्स का, है ना। पोर्टल खुलेंगे आपका आपका सेक्टर सेलेक्ट करने के लिए। अगर नहीं भरोसा है टेलीग्राम का लिंक मैं डाल रहा हूँ, जा करके देखना। 4 जून के पहले मैंने बताया था कि आपका सेक्टर जैसे कि सेंटर खुल जाएगा, चुन लेना पहले, और आपका जो ये डेट है वो आ जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही जो मार्क्स हैं हिंदी साहित्य में इस साल अभी आना बाकी है रिजल्ट उसका ऑफिशियल मार्क्स, क्योंकि EWS का इशू है कुछ, तो मार्क्स अभी निकलने में थोड़ा सा इशू है वो वाला, अभी निकलेगा समय से। ऐसे कल सैटरडे था, मतलब कल फ्राइडे था, तो कल ही जाना चाहिए था, फ्राइडे को मार्क्स आ जाना चाहिए था, मगर अभी तक आया नहीं है। क्वेश्चन पेपर भी लीक कर दीजिए, क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना वो हम लीक कर देते हैं। ये नहीं कि हम अंतर्यामी हैं, नहीं, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो होते हैं वो तो पता होता है कि सवाल आने ही आने हैं। फॉर एग्जाम्पल हिंदी साहित्य में भाषा खंड से सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा आएगा ये पता होता है, हर साल पूछते हैं, हर साल आता है, ठीक है। मगर GS में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत मुश्किल है, नहीं ऐसा कोई लीक नहीं होता सवाल के, सर सवाल लीक कर दीजिए, किसी को नहीं पता, हमको नहीं पता। मगर जो बातें ऑफिशियल जैसे कि डिस्कशन वगैरह होता है ना, ऑफिशियल मीटिंग, तो वहाँ पर जो मीटिंग होती है वो पता होता है कि हाँ क्या क्या मीटिंग हुई, सब बातें पता चल जाती हैं धीरे धीरे, ठीक है ना। एक समय के बाद आप जान जाएंगे कैसे कैसे काम होता है, जब सर इसमें जाएंगे ना वहाँ पर, ठीक है। सर टेलीग्राम चैनल जो आप बोले ऑप्शनल के लिए वो मेंशन कर दीजिएगा ग्रुप में, वहाँ लिंक डल जाएगा उसमें, UPSC वीडियोस वगैरह कुछ करके है। हाँ ना ना ना, मेरा ऑप्शनल मत लेना अपने लिए ढंग से चुन कर लेना कि तुम्हें क्या पढ़ने में अच्छा लगता है। चलो आ जाओ, अब इसमें 27 नंबर पढ़ लिया आपने,
27 नंबर पढ़ लिया आपने, बढ़िया, ठीक है। हाँ, मतलब कि सरकार पर रोक लगाई गई है, इट प्रोहिबिट द स्टेट फ्रॉम फेवरिंग, प्रोहिबिट सरकार फ्रॉम फेवरिंग पैटर्नाइजिंग पैट्रोनाइजिंग फेवरिंग पैटर्नाइजिंग सपोर्टिंग वन पर्टिकुलर रीजन, वन पर्टिकुलर रिलीजन, बढ़िया, क्लियर है बात, ठीक है ना। चलिए बढ़िया, और क्या बोलता है, हाँ मतलब कि जो टैक्सेस हैं, ध्यान सुनिएगा, अब आपका सवाल आता है कि सर राम मंदिर के लिए कैसे मिल गया पैसा, रिस्ट्रिक्शन कहाँ पर है, रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप एक धर्म के लिए पैसा नहीं लेंगे, मगर आप सभी धर्म के लिए पैसा इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कि जो टैक्स पेयर का मनी है, टैक्स पेयर का पैसा जब लुटाएंगे तो सब पर समान रूप से लुटाएंगे, ये दिया गया है। पैटर्नाइज करने का मतलब होता है संरक्षण देना, संरक्षण देना मतलब पैटर्नाइज करना, ठीक है। टैक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर परमिशन ऑफ, पैसा कैन बी यूज्ड फॉर प्रमोशन ऑफ, प्रमोशन या मेंटेनेंस ऑफ ऑल रिलीजन। अच्छा, यहां पर एक बात और, राम मंदिर का मुद्दा उठ गया कि राम मंदिर में पैसा आपने क्यों दिया, ये मुद्दा भी एक है कि आप जब हज के लिए भेजते हैं तो वहां पर भी तो सब्सिडी मिलती है, सब्सिडी में किसका पैसा होता है, टैक्स पेयर का। तो आप जब एग्जाम्पल दें तो ये नहीं कि आप केवल एक धर्म का दे रहे हैं, अगर आप एक धर्म का एग्जाम्पल देंगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि हाँ आप किस कम्युनिटी के हैं, समझ गए बात, समझ गए बात। अगर आपने कहा कि सर हज के लिए पैसा क्यों दे रहे हैं, समझ जाएगा कि ये किस पर्टिकुलर रिलीजन का है, समझ गए। तो दोनों लिखो ताकि वो समझ जाए कि हाँ यही है जो सबको एक आंख से देखता है आंख मारते हुए, ठीक है ना, क्या समझे। वैसे ही आप जब लिखते हैं टेररिज्म तो वहां पर आपको इस्लामिक टेररिज्म नहीं लिखना है, हो सकता है कि कॉपी चेक करने वाला मुसलमान हो सकता है कि कॉपी चेक करने वाला मुसलमान हो, गबरा जाएगा मामला, है ना। तो इस तरह से लिखो कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म के पक्ष में या उसके पक्ष में ना जाए, ऐसा भी आपको करना भी यही चाहिए, है ना। हमारे प्रधानमंत्री तक कहते हैं कि आतंकवाद का संबंध किसी धर्म से नहीं है, प्रधानमंत्री कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, आपकी जो मन की भावनाएं हैं वो अलग रखिए कि हाँ ज्यादातर आतंकवाद इसी धर्म में है, वो सब बातें कहने के लिए सुनने के लिए हैं, लिखने के लिए नहीं है। एग्जाम क्वालिफाई कर लो एक बार, उसके बाद तुम जो कहोगे वही सत्य है, समझ गए बात। हाँ बढ़िया, पंचायती के लिए, लिखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इथिक्स में इतने नंबर लाने के बाद लोग घूस क्यों लेते हैं जा करके, अगर लोग इतने ही इथिकल होते, लिख लिया एग्जाम पास कर गए, फिर जो मन वो करो, क्लियर है। चलो अगला बात लिखो, अगली बातें लिखो यहां पे। ये आप कहोगे आर्टिकल नंबर 27, अगला आप कहोगे आर्टिकल नंबर 28, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 28 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके जो स्कूल में प्रार्थनाएं होती हैं, आपने नोटिस किया होगा सरकारी स्कूल में प्रार्थनाएं जो होती हैं वो किसी खास धर्म से उतना संबंधित नहीं होता, ठीक है।
जबकि हमारा प्राइवेट स्कूल होता है ना, वहां पर होते हैं। ये कहता है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कोई धार्मिक इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाएगा। कहां पर? इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होली मेंटेन, मेंटेन्ड आउट ऑफ सरकारी फंड। मतलब कि सरकारी स्कूल में आप हिंदू धर्म के बारे में नहीं पढ़ाएंगे, मतलब कि किसी खास, मतलब गीता वगैरह नहीं पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरा जो स्कूल था, जो मेरे मोहल्ले में स्कूल है जहाँ मैं पढ़ा हूँ, तो वहाँ पर क्लास 6 में रामायण पढ़ी जाती थी। एक पतली सी किताब आती है, रामायण की सारांश कहते हैं उसको, वो पढ़ाया गया था हम लोग को। ठीक है, तो लंका दहन ये सब हम लोग सब क्लास 6 में पढ़ चुके थे। हमारे यहाँ किताब होती थी नैतिक शिक्षा की, जिसको कहते हैं मॉरल साइंस। आज हमको जो बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर हमको ऐसा कोई किताब देखने को नहीं मिलता मॉरल साइंस का। आप जब बच्चे में मॉरल साइंस इनकलकेट ही नहीं करेंगे, आप जब उनको ऐसी किताब पढ़ाएंगे ही नहीं, तो कहाँ से बच्चा सीखेगा? बच्चा कहाँ से सीखेगा? समझ गए बात? मदरसा फिर अनकंस्टिट्यूशनल है क्या? अगर मदरसा आपने अपने पैसे से खोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जो मन पढ़ाइए। मगर मदरसे को अगर सरकार की ओर से पैसा मिल रहा है तो वहां पर आप धार्मिक ज्ञान नहीं देंगे। ठीक है, स्कूल नेम, अरे मेरे मोहल्ले में यहीं पे कुछ दूर पे स्कूल है, 10 घर छोड़ के। ठीक है, तो मैंने कहा तो मदरसे को अगर सरकारी पैसा मिल रहा है तो वहां पर नहीं दिया जाएगा धार्मिक ज्ञान, समझ रहे बात? मगर अगर ये किसी प्राइवेट व्यक्ति ने खोला है मदरसा, तो वहां जो मन पढ़ाना है पढ़ाइए, उसमें क्या रोक है? नहीं रोक है। तो आर्टिकल 28 जो है वो स्कूलों को 4 भागों में बांटते हैं। सुनिएगा, आपके सवाल जवाब मिल रहा है। अब जो आपका आर्टिकल 28 है वो शैक्षणिक संस्थानों को 4 भागों में बांटता है। क्या कहता है? आर्टिकल 28 के अनुसार 4 तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होंगे। पहला कौन सा? जो होली मेंटेन्ड बाय बाय स्टेट। दूसरा, दूसरा क्या है? स्टेट के द्वारा प्रशासित तो है मगर किसी ट्रस्ट के अंदर आता है। ठीक है, एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट स्टैब्लिश्ड, स्टैब्लिश्ड अंडर एनी ट्रस्ट, ETC। तीसरा क्या है? जिसको राज्य से मान्यता प्राप्त है, राज्य से मान्यता प्राप्त है, वो उसको प्राप्त है रिकॉग्निशन। चौथा क्या है? राज्य से पैसा मिलता है, राज्य से उसको पैसा मिलता है। ठीक है, जो पहला वाला पार्ट है वहां पर धार्मिक इंस्ट्रक्शन पूरा पूरा प्रोहिबिटेड है। यहां पर धर्म नहीं होगा, धर्म यहां पर नहीं आएगा। यहां पर अगर किसी ट्रस्ट के भीतर काम करता है तो वहां पर धर्म का शिक्षा अलाउड है। अब मान लो कि आर्य समाज के भीतर वो बनाया गया है, आर्य समाज ट्रस्ट बना सकता है, तो वो तो अपना पढ़ाएगा ही, अपना जो आइडियोलॉजी है उसको। ठीक है,
जिसको राज्य से मान्यता प्राप्त है, जहां पर कुछ पैसा मिलता है, राज्य से पैसा मतलब कंप्लीटली नहीं, कंप्लीटली वाला पार्ट वन में आ जाएगा, इन दोनों केस में वॉलेंटरी रूप से आप शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है सर, सरकारी स्कूल में और थाने में भगवान की फोटो कैसे टंगी होती है? अब डिपेंड करता है थानेदार साहब पर। जैसे कि मेरा कॉलेज NIT इलाहाबाद, तो वहाँ पर जो डिपार्टमेंट होता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, सिविल इंजीनियरिंग का, वहाँ पर तो मशीनें होती हैं, वहाँ पर मशीनें होती हैं लोहे की। तो जब कौन सा त्यौहार होता है हमारा, विश्वकर्मा पूजा, विश्वकर्मा पूजा में वहाँ पर पूजा होती है सरकारी होने के बावजूद भी। वहीं पर क्या जो सरकारी PSU है वहाँ पर ही पूजा होती है। छोड़ो राफेल जेट की पूजा होती है, इसरो का सैटेलाइट जब लॉन्च करना होता है उसके पहले जो सारस्वत जी थे पूजा करते थे, समझ रहे बात? तो धर्म वहां तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जहां तक कन्फ्लिक्ट ना करे किसी इशू को। ठीक है, कन्फ्लिक्ट ना करे किसी इशू को। सर जी, सर होती है क्या आपकी मिमिक्री की? मैंने कहाँ मिमिक्री की तुमने मुस्कान झा जी? ठीक है, घर में। बढ़िया, तो ये आपके चार तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बनाए गए हैं, क्लियर है? तो ये आपका हो गया आर्टिकल नंबर 28। अब आप सवाल का जवाब दे पाएंगे आराम से। मंगल मिशन में दिखाया गया था, वो तो मंगल मिशन तो अलग है, मूवी वूवी की बात नहीं कर रहा मैं रियलिटी की बात कर रहा हूँ जो होता है। ठीक है, समझ गए? हाँ, अरे जब कॉलेज में थे तो कहाँ ध्यान था कि पूजा पाठ सही है या नहीं, हम तो प्रसाद खाने आते थे। क्या मतलब है, तुम पूजा पाठ करो चाहे कुछ करो, हमको प्रसाद थमा के जाओ। है कि नहीं? बस जैसे कि आज इंडिपेंडेंस डे है, ठीक है, तो जलेबी तो चाहिए, है कि नहीं? हाँ, आपके यहाँ लड्डू, हमारे यहाँ जलेबी। हमारे यहाँ जलेबी, जैसे कि जब हम छोटे थे ना, छोटे मतलब क्लास 4-5 में, तो खूब खाते थे। तुमको एक चीज़ दिखाता हूँ, रुको। 2006 की एक फ़ोटो है, ये वाले, हंसना मत देख करके। पहचानो कौन है? ये फोटो 2006 की है, 24/4/2006, महावीर इंटर कॉलेज सरकारी स्कूल है गया में, तो वहाँ की फोटो है। तो ये वाला शायद मैं 7th में था तब की है, क्योंकि इस स्कूल में क्लास 7th में, तो ये 7th में शायद एंट्रेंस की फोटो है, क्लास 7th, 8th, 9th, 10th, 4 सब मैंने पढ़ा है, 7th 2006 में, 2007 में, 2000 ना 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 ऐसा कैसा, 2008 में मैंने 10th पास किया था, मतलब ये क्लास 8 की फ़ोटो है, 2007, 2006, ये 2005 आया, क्योंकि 2010 में मैंने 12th पास किया था। ठीक, मैंने क्लास 3 नहीं पढ़ी है, क्लास 3 मैंने जंप करी थी।
ठीक है, बढ़िया। 2 साल छोटे हो आप हमसे, अरे चलिए तो हाँ ठीक है, सब गाल वाल नोचता रहा करते थे। देखो उस समय जो आंखें हैं ना वो ठीक थी, उस समय आंखें वगैरह ठीक थी, अभी ये कंप्यूटर के चक्कर में सब नाश हो गया। चाइनीज बन गए। चलो आगे बातें करते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, और हम आपसे 2 साल छोटे हैं, हमारे अधिकांश लोग हमसे छोटे हैं। ठीक है, बढ़िया। चलिए और क्या बातें करनी थी। हाँ एक तो रह गया, 28 हो गया ना, 29 नंबर बातें करेंगे आज। आर्टिकल नंबर 29। 29 क्या कहता है, 29 क्या कहता है। हाँ एक बात और, अधिकांश लोग छोटे हैं मगर कई सारे लोग जो है ना वो हमसे ज्यादा क्वालिफाइड है, क्योंकि हम केवल ग्रेजुएट हैं। 2014 में मेरा ग्रेजुएशन हुआ था बीटेक सीएसई। कई सारे लोग आप में से एमए होंगे, एमएससी होंगे, एमटेक होंगे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन। अरे वो डिग्री लेने के बाद और कोई डिग्री लेने का मन नहीं करता, इतना 4 साल पढ़ा देते हैं लगता है कि बस हो गया, अब और ना सह पाएंगे पढ़ाई। समझ गए। तो कहता है एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिसाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत का कोई भी नागरिक भारत में कहीं भी रह रहा हो, कोई भी नागरिक कहीं भी रह रहा हो, जिनका अपना एक डिस्टिंक्ट कल्चर है, भाषा है, स्क्रिप्ट है, मतलब लिपि है, ठीक है, लिपि है, वो उसे कंजर्व करेगा, उसका उसको मौलिक अधिकार होगा। क्या बातें कर रहा है, सिटीजन की बातें कर रहा है, ठीक है। ये जो अधिकार है वो माइनॉरिटी और मेजोरिटी दोनों को दिया गया है। समझ गया बात, क्या कह रहा है। एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन, लिखना इसको एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स। यहां पर नागरिक कह दिया, नॉट माइनॉरिटी ओनली, नॉट माइनॉरिटी ओनली। जहां जहां फंसाएगा ना वहां वहां हम बताते जा रहे हैं, ठीक है। केवल ये माइनॉरिटी के लिए नहीं है और ये नागरिक के लिए है, पर्सन नहीं कहा गया है, ठीक है। सिटीजन जो भारत में कहीं भी रह रहा हो, जिनका जिनका डिस्टिंक्ट भाषा, कल्चर या लिपि हो, उनको बचाने का, कंजर्व करने का अधिकार है, अधिकार है। क्लियर है। बढ़िया। एक बात और, कोई भी नागरिक को, ठीक है, कोई भी नागरिक को उस शैक्षणिक संस्थान में एंट्री करने से बैन नहीं कर सकते अगर उस संस्थान को सरकार से पैसा मिलता हो। मान लो कि कोई धार्मिक डोमिनियन है, उन्होंने एक स्कूल खोला है, सरकार से उसको चंदा मिल रहा है, तो उसमें आप एंट्री करने से इनकार नहीं कर सकते किसी बच्चे को। फॉर एग्जाम्पल कोई माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर 100% सीटें आरक्षित नहीं होती, 50% का रूल है, आधी सीटें माइनॉरिटी के लिए होगा, बाकी उसमें रह सकते हैं, ठीक है। बढ़िया, लिख लिया इसको। नो सिटीजन शैल बी डिनाइड एडमिशन उन शैक्षणिक संस्थान में जिसको सरकार की ओर से पैसा मिलता हो। तो यहां पर जो आपका माइनॉरिटी है, सिटीजन में दोनों आएगा, माइनॉरिटी भी और मेजोरिटी भी, मेजोरिटी भी दोनों आएगा।
मतलब कि हमें अपनी हिंदी को भी संरक्षित करने का अधिकार उतना ही है जितना दूसरे को है। क्लियर है? दूसरे को भी उतना ही अधिकार जितना हमें है। बढ़िया। नेटवर्क जा रहा, क्या पढ़ा रहे समझ नहीं आ रहा ज्योति जी। अरे कुछ करो, टावर पे बैठ सकते हो। एक ने दिया था सजेशन। ठीक है, बढ़िया। तो यहां पर दोनों को, माइनॉरिटी को भी और मेजोरिटी को, दोनों को दिया गया है। क्लियर है? हाँ, क्योंकि यहां पर नागरिक कहा गया है, ना कि माइनॉरिटी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आपको कंजर्व करने का अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि आपको कंजर्व करने का अधिकार है, तो आपको अपनी भाषा, कल्चर इत्यादि के लिए एजिटेट करने का, प्रोटेस्ट करने का भी अधिकार है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर साउथ इंडिया का कोई कहता है कि हमको तमिल कल्चर प्रोटेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको प्रोटेस्ट करना है, तो वो संवैधानिक माना जाएगा, ये ना कि वो इलीगल है। हाँ, अगर वो समस्या बनती है लॉ एंड ऑर्डर की, प्रोटेस्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप दंगा मचा चलते हैं। प्रोटेस्ट करने का मतलब ये है कि आप शांति पूर्वक आप बैठ करके प्रोटेस्ट कीजिए, एजिटेट कीजिए, ये ना कि आप दंगा मचा चलते हैं। दंगा मचाओगे तो क्या होगा, वो बनेगा इशू लॉ एंड ऑर्डर का। ठीक है? और वहां पर पुलिस एक्शन होगा। बढ़िया। तो यू हैव द राइट टू एजिटेट, राइट टू एजिटेट, समझ गए बात? आशीष का ब्रेकअप हो गया शायद, आजकल क्लास में नहीं आता। हाँ यार, सही बात है, क्लास में नहीं आ रहा, मगर प्लस वाले क्लास में आया था कल। बेचारा, अच्छा बात है, बन जाएगा आईएएस। ठीक है, चक्कर से निकल जाएगा। हाँ, करते हैं अगली क्लास वो भी। ये बातें हो गई। ठीक है, 30 क्या बोलता है, आर्टिकल 30 क्या बोलता है? हाँ, एक बात और, अगर यहां पर कोई पॉलिटिकल पार्टी, मतलब अगर कोई नेता कहता है, प्रॉमिस करता है कि हम किसी भाषा को कंजर्व करेंगे, तो वो करप्ट प्रैक्टिस में नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसी खास भाषा को, बोडो भाषा है, कुछ और भी है, तो उसको बचाने के लिए अगर कहता है कि हम चुनाव जीतने के बाद हम ये कर देंगे, वो कर देंगे इस खास भाषा को बचाने के लिए, तो वो करप्ट प्रैक्टिस में नहीं आएगा। ये सब जो केसेस है ना, वो आपको एमसीक्यूज में स्टेटमेंट के रूप में दे सकता है, इन सब केसेस को स्टेटमेंट के रूप में दे सकता है। हाँ, मौलिका ने कहा संस्कृत। अब संस्कृत को आप किसी पर्टिकुलर धर्म से जोड़ करके मत देखिए कि ये हिंदू का है, ये क्या है, भाषा की बात हो रही है। ठीक है? हाँ, पाली है, प्राकृत है। बढ़िया। ठीक है, आपने पूछा कौन सी क्लास, इसके बाद दोबारा एक क्लास है, वहां पर बस दो ही आर्टिकल बचे हुए हैं ना, आर्टिकल 30 और 32 है, दोनों फटाफट खत्म कर लेंगे तुरंत, उसके बाद एमसीक्यू में घुस जाएंगे अच्छे से। ठीक है? बढ़िया। लिंक इसी पर है, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर ही है, कुछ नहीं करना है, बस गियर बदलना है, दोबारा आना है। ठीक है ना? उस क्लास को करने के बाद, हाँ, प्रॉपर्टी तो पढ़ा देंगे, जब पढ़ाए पहुंचेंगे ना वहां पे, प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल नंबर, हमने कहाँ तक, 29 तक कर लिया था, 29 कर लिया था। ठीक है ना? 30 नंबर हम लोग करने वाले थे। हाँ ठीक है, रोज बताते हैं, कहाँ बताया शुरू के 2 क्लास में, कहाँ बताया? नहीं बताया ना, अनअकैडमी वाले कहेंगे क्या सर, मेरा नुकसान करवाएंगे आप, है ना? चलिए, बढ़िया, सभी लोग जुड़ गए। ठीक है, चलो, तो करते क्या है, पहले मैं एमसीक्यू वाला पीपीटी ऐड कर देता हूँ। इस क्लास में लिमिटेशन नहीं है कोई, 1 घंटे 2 घंटे वाली, या आखिरी क्लास है। ठीक है? बढ़िया, मस्त एकदम। चलो, मैं पीपीटी ऐड कर देता हूँ क्वेश्चन वाला। पहले कुछ 3 4 क्वेश्चन कर लेंगे, पहले 3 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं अपना। ठीक है?
दोबारा। बढ़िया, चलो पहला सवाल करना। हुआ क्या है जो इटालियन आल्प्स है, आल्प माउंटेन पता है आपको, आपने ज्योग्राफी पढ़ी है, जो आल्प्स माउंटेन है इटली का जो सेक्शन है वहां पर जो आइस है, स्नो है, वो पिंक हो गया है। सवाल पूछ रहा है ये जो पिंक हुआ है क्या एलगी के कारण हुआ है जो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को एक्सेलरेट कर देता है। दूसरा, आइस विथ एल्गी ऑन इट्स सरफेस रिफ्लेक्ट मोर देन 80% ऑफ सन्स रेडिएशन। क्या जवाब है बताना यहां पर ध्यान से। ठीक है, एकदम आसान सवाल है, नॉर्मल सवाल है ज्योग्राफी का, आप आराम से इसका जवाब दे सकते हैं। राजेंद्र, निखा, अभिषेक, राणा, राहुल, कल्पना। कल्पना इस क्लास में, बाकी दो क्लास में कहाँ? इंद्रजीत, रघुवीर, नवनीत, निकिता। बहुत ठीक, बोल गया तो बोल गया। ठीक है, राज शर्मा तुम्हारा काम हो गया। ठीक, बढ़िया। चलिए, आसान सवाल था। यहां पर आपको जानकारी होनी चाहिए अल्बेडो की। उजाला, सुमन, अभिषेक, रंजीत, अमन, इमराना, सनी, रितेश, मोनी, सफी, सभी जाने पहचाने नाम। यहां पर आपका जो अल्बेडो है, अल्बेडो क्या होता है? अल्बेडो का मतलब ये है किसी सतह पर सूर्य से जो इंसुलेशन आता है, इंसुलेशन आता है, जो सूर्य की रोशनी आती है, उसका कितना परसेंट भाग रिफ्लेक्ट कर देता है, दोबारा उसी को लौटा देता है, बताइएगा। यही होता है, मुझे कई टॉपिक कवर करने हैं। एक आपका होता है टेम्परेचर इन्वर्जन का, एक आपका होता है इंसुलेशन का। तो जो सरफेस जितना सफेद होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। वैसे भी आपने पढ़ा है कि गर्मी के दिनों में हमें हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। क्यों सर? क्योंकि रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है और हमें गर्मी कम लगती है, ऑब्वियस सी बात है। तो जो स्नो है इसका एल्बेडो ज्यादा होता है क्योंकि ये ज्यादा ऊष्मा रिफ्लेक्ट करता है। अब चूंकि यहां पर ज्यादा रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो वो एब्जॉर्ब कम कर रहा है ना। तो आइस नॉर्मल केस में जब इस पर कोई एल्गी वेल्गी ना हो तो 80% जो आपका इंसुलेशन है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। तो मेरा दूसरा गलत हो गया। क्यों? क्योंकि विथ एल्गी कह रहा है। अगर स्नो पर एल्गी बिछी हुई है तो उसका रंग सफेद तो नहीं रहेगा, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा रंग उसका, और इसी कारण से वो थोड़ा सा कम ऊष्मा रिफ्लेक्ट करेगा। प्योर फॉर्म में 80% करता है तो अब 80 से तो कम ही करेगा, ऑब्वियस ही बात है, मोर देन 80 तो नहीं करेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। तो दूसरा गलत हो गया। चूंकि ये सफेद रंग से गाढ़े रंग पे आ गया है, भले ही पिंक पे ही जाए, तो क्या होगा, ये ज्यादा रोशनी अब्जॉर्व करेगा, उसके साथ साथ वो हीट भी अब्जॉर्व कर रहा है और बर्फ इसी कारण से पिघलना शुरू होगा ज्यादा। आपका पहला सही है, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट को वो एक्सेलरेट कर देगा। क्लियर बात? हाँ ठीक है। तो यहां पर सवाल आपका ज्योग्राफी का है, कोर ज्योग्राफी का है, वो बस
करंट अफेयर से हमने लिंक कर दिया है कि आल्प्स में जो बर्फ है उस पर पिंक पिंक चढ़ गया है, तो क्या कारण है ऐसे बातें। क्या आंसर हो गया आपका? ए वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सवाल करंट का नहीं है। जब मैं कहता हूं आपको कि कोर कंप्लीट कीजिए, तो कोर में इंसुलेशन कंप्लीट कीजिए। अगर आपको इंसुलेशन पता होता, एल्बेडो पता होता, क्या आप इसका आंसर नहीं निकाल देते? इसी को बोलते हैं कोर कंप्लीट करना। चलो, इनमें से कौन से देश ने हाल में ही अपना प्लान फाइनलाइज किया है कि हम कोल एनर्जी को और न्यूक्लियर एनर्जी को फेज आउट कर देंगे, मतलब हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे? ग्रीनलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, जापान। बोलना जल्दी से क्या आंसर है। टिंग डिंग डिंग। अभी पोल टाइम पे गया होगा। ठीक है, बहुत अच्छे। मंगेश, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू टू, और सभी दोस्तों को जो जुड़े हैं हमसे नए। अच्छा, अभी बिजली नहीं है ना यहाँ पे, वरना अभी हमारे जैसे कि मेरे घर के सामने वो झंडा तोलन होता है, मतलब फ्लैग होस्टिंग, समझ रहे, तो गाना बजता रहता है देशभक्ति वाला, सुबह से बज रहा था, अभी कुछ देर पहले लाइट गई है तो बंद हुआ है। जैसे कि कैसे हमारे यहाँ कोई त्यौहार होता है, याद है दशहरा, दिवाली जो भी था, तो जो YouTube पे जुड़े थे हमसे उन्हें पता होगा, दशहरे के दिन, दशहरे में पूरे 10 दिन, दिवाली में, होली में, जब भी यहाँ पर गाना बज रहा होता है पूरा। हाँ, शादी में तो खैर होता ही है, तो जो 9 बजे वाली क्लास में आते थे, शाम वाली क्लास में, 9 बजे वाली में, उनको अलग मज़ा आता था कि बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ पढ़ाई हो रही है, ठीक है ना। तो जर्मनी आपका जो देश है वो कहता है कि हम कोयले को और न्यूक्लियर एनर्जी दोनों को फेज आउट कर देंगे और पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर आएंगे। किस पर आएंगे? रिन्यूएबल एनर्जी पर आएंगे। ध्यान से सुनिएगा, जो आपका वन है, वन भी रिन्यूएबल एनर्जी में आता है। आप में से कई लोगों को डिफिनेशन ये पढ़ाया होगा कि जिस रिसोर्स को इस्तेमाल करने के बाद उस वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, वो रिसोर्स कहलाता है नॉन रिन्यूएबल। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। कंप्लीट डेफिनेशन ये है, आपका एनर्जी का सोर्स खत्म तो हो गया, मगर उसको दोबारा बनाने में ह्यूमन लाइफ साइकिल से बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो उसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। समझ गए? एक मनुष्य के जीवन काल से ज्यादा, कहीं ज्यादा समय, फॉर एग्जाम्पल आपने पेट्रोल जला दिया, डीजल जला दिया, अब वही पेट्रोल डीजल बनाने में कितने साल लगेंगे पता है आपको? मगर अगर आपने लकड़ी जला दी, वन का एक लकड़ी लेकर जला दिया, वो तो तुरंत नया बन जाएगा। एक पेड़ लगा दीजिए, नया बन गया। तो ये आपका नष्ट होने के बाद भी रिन्यूएबल में आता है, फंसा देगा यहां पर। जैसे कि जो आपका बांस है, जो आपका बांस है वो घास में आता है, ग्रास में आता है, किसके अंतर्गत? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, ये वाला जो है ना फॉरेस्ट राइट एक्ट, फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत, FRA, इसके तहत ये वाला आता है। क्लियर है बात? ठीक है ना, बढ़िया। फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत आपका जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, माइनर मतलब हो गया तेंदू लीव्स जिससे बड़ी बनता है, शहद हो गया, लाख हो गया, बांस वगैरह हो गया, ये सब क्या आते हैं? माइनर वाले में आते हैं। मेजर में क्या आएगा सर? टिम्बर आएगा। टिम्बर वगैरह आपके मेजर में आएंगे। बढ़िया, तो जर्मनी आपका। अच्छा सर, जापान, कई सारे लोग जापान मारे, क्यों मारे? उन्होंने सोचा होगा कि जापान में फुकुशिमा, याद है फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर, अर्थक्वेक आया था, न्यूक्लियर रिएक्टर
से जो रिएक्शन है वो लीक हो गया था, रेडियोएक्टिव जो मटेरियल होंगे वहां पर, तो काफी ज्यादा वहां पर तबाही हुई थी, काफी ज्यादा खर्चा वहां पर गवर्नमेंट का हुआ था। तबाही होने के बाद भी जापान ने न्यूक्लियर एनर्जी को फेज आउट नहीं किया है। जर्मनी हमेशा से इन सब मामलों में आगे रहा है। अगर हिटलर का एज छोड़ दिया जाए, हिटलर का जो समय है वो छोड़ दिया जाए, तो जर्मनी एक ऐसा देश है वो दुनिया के मिसाल के रूप में देख सकते हैं उसको। वर्ल्ड वॉर वन में जर्मनी पूरा तबाह हो गया था। पूरा तबाह होने के बजाय जिस उत्साह से ये उठ खड़ा हुआ और इसने बैंड बजाई यूके की, अमेरिका तक की, इतना पावर हासिल कर लेना इतने कम समय में, 1919 में वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ था, हिटलर वगैरह का शासन आया 1949 में, मतलब कि 1919 से 1949 में ना सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था, ठीक है? तो महज 20 सालों में उसने देश की काया पलट कर दी। 20 साल में हमारे यहाँ एक कमेटी का रिपोर्ट तक नहीं आता, 20 साल में हमारे यहाँ एक कमेटी का रिपोर्ट तक नहीं आता। जो इंटरस्टेट रिवर वाटर है, अंतरराज्यीय जो नदी का मुद्दा है, नहीं सुलझता। 20 साल में इसने पूरे देश का पलट कर दी और इसको एक ऐसा देश बना दिया जो यूके से, फ्रांस से, सभी कंट्री से ज्यादा पावरफुल था। फ्रांस वर्ल्ड वार टू में बेचारा पहले ही हार गया था, वर्ल्ड वार टू के शुरुआत में ही फ्रांस हार गया था, याद है? दोनों मोर्चा खोल दिया था, वहां से पोलैंड, यहां से फ्रांस। पढ़ेंगे वर्ल्ड वार टू, समझ में आएगा। अगर वर्ल्ड वार टू को हटा दें तो हिटलर को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन का हम दर्जा दे सकते हैं, अगर बस वर्ल्ड वार टू ना किया होता उसने। समझ गए बात? बस यहीं पर उसकी बात आती है और कुछ नहीं, ठीक है? ये नहीं कि बस भाषण, भाषण देने में तो था ही वो बहुत ही बेहतरीन, वो काम करने में बेहतरीन था। हिटलर को इतना गरियाते हैं लोग कि उसने ब्रेन वॉश कर दिया जर्मनी की जनता का। ब्रेन वॉश आप तभी करते हैं जब होना चाहता है कोई, ऐसा नहीं है कि आप किसी के माथे में पिला देंगे घोर करके, समझ रहे बात? हाँ, वो मरे वो बात अलग है, मगर वर्ल्ड वॉर टू को छोड़ दें तो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल में से वो हिटलर काउंट होगा, समझ गए? उसने काम इतना अच्छा किया, उसने जर्मनी को इंडस्ट्रियली, औद्योगिक रूप से उसने विकसित कर दिया। हमारे यहां केवल भाषण होता है, काम नहीं होता, ये समस्या की बात है। तो हिटलर से हम सब कुछ ना सीखें, मगर काम करना तो सीखें ही सीखें, किस तरह से काम करते हैं, ठीक है ना? बढ़िया, चलो आगे आ जाओ। यही कारण है कि हमारे सुभाष चंद्र बोस जी भी थोड़े से हिटलर की तरफ, पता है ना जब यहां पर कौन सा हुआ था, हरी अरे जहां पर गांधी जी का सपोर्टर हार गया था, तो गांधी जी ने कहा था कि ये मेरी हार है, हरिपुरा। अरे वाह पीयूष, बहुत बढ़िया, हरिपुरा, हरिपुरा, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरा के त्रिपुरी, हरिपुरा क्या है, कंफ्यूज कर दिया तुमने, जो भी पूरा है वही पूरा है। तो उसी में क्या हुआ था, गांधी जी का कैंडिडेट हार गया था, सुभाष चंद्र बोस को सपोर्ट मिलना बंद हो गया पार्टी में। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनने के बाद भी उनको पार्टी से समर्थन नहीं मिला और उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा फिर, ठीक है? ठीक है ना? तो यहां पर ये बातें थी। फिर क्या गए, उन्होंने कहा कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, तो यूके का दुश्मन कौन, जर्मनी, हमारा दोस्त। इसका दुश्मन कौन, जापान, हमारा दोस्त, है कि नहीं? तो सुभाष चंद्र बोस पर एलिगेशन लगता है कि आपने फासीवादियों का साथ लिया, उसका आप उसके साथ मिले, मगर क्यों मिले ये भी तो देखो, क्यों मिले, देश के लिए मिले, क्या गलती करी, सही किया, एकदम किया सही, मिलना चाहिए, समझ के बात? कभी कभी, कभी कभी दांत से जब चिकन खाते हैं ना आप, तो निकालने के लिए कांटे का सहारा लेना होता है, इसका मतलब कांटा खराब नहीं है,
समझ गए बात? एग्जाम्पल लेते हैं ऐसा। ठीक है चलो, तुम्हारा पनीर फंस गया, तुम्हारा वेजिटेरियन एग्जाम्पल। चलो बात हो रही थी किसकी एनर्जी की, तो हम बात करेंगे इंडिया में एनर्जी का क्या डाटा है। भारत में टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 347 गीगावाट की, थर्मल देता है 64, मतलब कि हमारे टोटल एनर्जी का 64% हिस्सा थर्मल से आता है, न्यूक्लियर से केवल 1.9% आता है। टारगेट क्या है? 30 गीगावाट 2030 तक। इनसे सवाल कैसा आएगा सर? सवाल पूछेगा चुपचाप ऐसा, ध्यान सुनना, सवाल कैसा पूछेगा? ये पूछेगा पहला कि भारत में जो एनर्जी की स्थिति है उसके बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत में आधे से ज्यादा जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी से आता है। क्या बात सही है? ऑब्वियस बात है, अरे 64% थर्मल से आ रहा है तो ये आधा तो है ही, आधा से ज्यादा है ना। मेरा पहला सही है। दूसरा, अगर मैं कहूं कि एक तिहाई 1/3 हमारा न्यूक्लियर से आ रहा है, तो आपका क्या जवाब होगा? गलत है। देख के लगता है कि अरे अरे न्यूक्लियर तो इतना एनर्जी निकालता होगा, उतना एनर्जी निकालता होगा, बहुत बड़ा रोल होगा हमारे देश में एनर्जी में। नहीं, 1.9%, 2% भी मान लें तभी भी केवल 2% ही है 100 का। ये न्यूक्लियर का हाल है। नवीकरणीय ऊर्जा 21.8% इतना है। समझ गए बात? किया क्या गया है? पहले नवीकरणीय ऊर्जा में जो छोटे हाइड्रो पावर प्लांट है ना, ध्यान सुनिएगा, हाइड्रो पावर प्लांट होता है दो तरह का। हाइड्रो प्लांट होता है दो तरह का, एक होता है स्मॉल, एक होता है लार्ज। तो पहले स्मॉल वाले को नवीकरणीय मानते थे, बड़े वाले को नवीकरणीय नहीं मानते थे। अब बड़े वाले पावर प्लांट को भी नवीकरणीय रिन्यूएबल मान लिया गया है, तो इसीलिए अब 21% से बढ़ करके 34% हो गया है नवीकरणीय ऊर्जा से। टारगेट क्या है? 175 गीगावाट ले जाना है 2022 तक। 100 गीगावाट सोलर से, 60 गीगावाट विंड से, 10 बायो से और 5 हाइड्रो से। समझ गए बात? इस तरह से नोट्स बनता है। ये नहीं कि लिखेंगे मोटा मोटा एकदम शब्द, बड़ा बड़ा सा सेंटेंस, नहीं, ऐसे बनता है नोट्स। 100 सोलर से, 100s, 60 विंड से, 10 बायोमास से और 5 आपका हो गया हाइड्रो से। समझने वाला समझ जाएगा जिसने लिखा है अपने नोट्स में। समझ गए बात? ठीक है, बढ़िया। यहां पर विंड से मिलता है हमको कितना? 10%। सोलर से कितना? 4%। सोलर से 4%। हाइड्रो से कितना? 13%। यहां पर एक सवाल आपसे ऐसे भी पूछेगा कि हमारे देश में जो ऊर्जा के साधन हैं, सोर्स हैं, इसको घटते हुए क्रम में सजाइए, इसको बढ़ते हुए क्रम में सजाइए। कैसे अरेंज करेंगे आप? सबसे ज्यादा थर्मल का मामला है, इसके बाद हाइड्रो का मामला है कि नहीं है? इसके बाद विंड का मामला है, इसके बाद आपका सोलर का मामला है, सोलर के बाद आपका न्यूक्लियर का मामला है कि नहीं? तो अगर आपको परसेंटेज मोटा मोटी भी पता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आते थे और आते रहेंगे। यहां पर आपसे कोई आंकड़ा नहीं पूछा है, यहां पर आपसे कोई आंकड़ा नहीं पूछा है, यहां पर खाली जानना चाहता है कि क्या आपको अंदाजा है। चलो, इसको आसान करने का कई सारा तरीका है। आपको पता है कि सबसे ज्यादा थर्मल से आता है, आपको पता है कि लोवेस्ट न्यूक्लियर से आता है, इतना तो पता हो गया आपका। पता कि नहीं पता है? थर्मल सबसे ज्यादा, न्यूक्लियर कम। तो मेरे क्वेश्चन के दोनों छोर पर, मेरे ऑप्शन के
दोनों छोर पर थर्मल होगा और न्यूक्लियर होगा, बाकी जो भी है वो बीच में होगा। समझ रहे हो कैसे करना है एलिमिनेट? अगर किसी ऑप्शन के सबसे अंतिम में सोलर हो, चाहे बायोमास हो, क्या वो ऑप्शन होगा सही? नहीं होगा, क्योंकि सोलर, बायोमास, हाइड्रो, ये सब न सबसे ज्यादा है न सबसे कम है। समझ रहे हो? या तो तुम टॉप करो आगे से, या तुम टॉप करो नीचे से, दोनों में नाम होगा। रैंक वन का नाम होता है, और जो सबसे अंतिम पायदान पर है उसका नाम होता है कि हाँ ये एकदम पूंछ पर लटका हुआ है, एक नंबर कम होता तो ये नीचे गिर जाता। समझ गए? तो लिस्ट क्या तो ऊपर रहो या लिस्ट कैसे नीचे रहो, समझ गए? चलिए यहां पर ये बातें हो गई। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का लॉस 27% है करीब, मतलब कि इतना हमारा बिजली लॉस हो जाता है, नष्ट हो जाता है। कैसे नष्ट होता है सर? आप करंट को तार से पास करते हैं, हीट जनरेट होता है, मतलब कि एनर्जी का लॉस हो रहा है, इसी कारण से बिजली बर्बाद होती है 27% के करीब। इसीलिए सोर्स के पास ही हम लोग बिजली जो है वो बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आगे भी आंकड़े हैं आपके पढ़ने के लिए। पर कैपिटा कंजम्पशन कितना है? 1200 किलोवाट आवर। ये दुनिया में सबसे कम में से एक है। हम लोग बिजली का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं जी, बाकी लोग को देखोगे ना बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं बाकी कंट्रीज में। हम लोग इतना सस्टेनेबल जीवन जीते हैं कि हमें अवार्ड मिलना चाहिए दुनिया में वैसे तो, इतना सादा जीवन जीने के लिए। हाँ मजबूरी में जीते हैं वो बात अलग है, मजबूरी में सादा जीवन जीते हैं वो बात अलग है। ठीक है, बढ़िया, क्लियर है, बिल ही बहुत आता है। हमारी इनकम कम है ना तो हमें वो बिल ज़्यादा लगता है, मगर बाकी कंट्री में इनकम ज़्यादा है उनका, उनका जो पर कैपिटा इनकम है ये ज़्यादा है। अरे जिसका इनकम 60,000 रुपये महीना, 70,000 रुपये महीना है, उनके लिए 2,000 रुपये का बिल क्या है? नहीं है कुछ उतना। अब जिसका इनकम ही 30,000 रुपये महीना है, उनके लिए 2,000 रुपये का बिल तो बहुत बड़ा बिल हो जाएगा फिर तो। समझ रहे बात? इतना ही बहुत कम लोगों के पास होता है। ठीक है, चलो आगे आते हैं। ये सब पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, पढ़ लेना इसको। ठीक है, ले लिया। जैसे कि हमारे यहाँ 92% जो हमारे हैं ना इक्विपमेंट सोलर वाले, वो इम्पोर्ट से आते हैं। अगर हम भारत में बनाना शुरू कर दें तो कितना हमारा फायदा होगा? दाम कम लगेगा, जॉब क्रिएट होंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, डिपेंडेंस कम होगा दूसरे कंट्री से, है कि नहीं? नहीं, लो कंट्री, लो इनकम में नहीं आता अक्षय, लो इनकम में नहीं आता, हमारा कंट्री मिडिल में आता है। मिडिल में भी कई सारे सेक्शंस हैं, अपर अपर मिडिल, लोअर मिडिल, ऐसे करके। ठीक है, चलिए। 100% FDI अलाउड ऑटोमेटिक सेक्टर से सवाल पे आओ सर। अगला सवाल आपका है विंटर डीजल से, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है आपके उसमें, आपके इकोनॉमी में। देखिए क्या आंसर है इसका, इसके बारे में कौन सी बातें सही हैं विंटर डीजल बारे में, कौन सी बताया जरा। इट डज नॉट लूजेज इट्स फ्लूडिटी फंक्शन इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन एंड इट हैज़ लोअर सल्फर कंटेंट। क्या बात सही? दूसरा, क्या ये BS6 ग्रिड को फॉलो करता है? ये आया है न्यूज़ में, मुझे टॉपिक कवर करना है वाला, बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है इसमें। अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, बताना। चाइना पे डिपेंडेंस कम होगा, हाँ फार्मास्यूटिकल सेक्टर में चाइना पे डिपेंडेंस कम करने के लिए गवर्नमेंट ने कई सारे स्कीम्स लॉन्च करी हैं फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, खास करके जो आपका बल्क ड्रग है। बल्क ड्रग क्या होता है सर? बल्क ड्रग का मतलब होता है API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API। ठीक है सर, थोड़ा सा बैक, क्या स्लाइड स्लाइड पीछे करना है, क्या करना है? आशुतोष कुमार,
बिल्कुल सही, ठीक है। सनी, सुमन, नरेश, निखा, अभिषेक, शिल्पा, हरकीरत, राजेश, अनुर, जी हाँ, कस्तूरी ने कहा फॉर मिलिट्री व्हीकल इन एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत बढ़िया। चलो इसका जो, लो इसका स्क्रीनशॉट, और इसका ले लो। ठीक है, चल आ जाओ। तो यहां पर जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं वो इनका इस्तेमाल करेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे जो अभी नॉर्मल डीजल होता है ना, वो ठीक से काम नहीं करता लद्दाख जैसे इलाके में, जहां पर -30 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है। तो ऐसे इलाकों में करते क्या हैं कि उसके लिए अलग तरह के डीजल का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसको कहते हैं हम लोग विंटर डीजल। इसमें सल्फर कंटेंट काफी कम होता है। चूंकि सल्फर कंटेंट कम होता है, तो इसी कारण से इंजन में डिपॉजिट कम बैठता है। क्या होता है? डिपॉजिट कम बैठता है। और चूंकि वहां पर तापमान -30 होता है, तो नॉर्मल डीजल कम फ्लूइड होने लगता है। क्या होता है? उसका जो तरलता है, फ्लूडिटी होती है, कम हो जाती है। मगर इस विंटर डीजल क्या होती है, बरकरार रहती है। तो ये अच्छा काम करता है। इसका जो विस्कोसिटी है वो लो होता है। विस्कोसिटी का मैं एग्जांपल दूं, आप पानी पानी में उंगली चलाइए, ऐसा करके आप चला पाएंगे आराम से। पानी को थोड़ा सा आप गढ़ा कर दीजिए, कुछ मिला दीजिए उसमें, गढ़ा हो जाएगा। या फिर जो पिघला हुआ घी होता है उसमें चलाइए, या फिर शहद में चलाइएगा। तो शहद में चलाना मुश्किल है क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो ये होता है। तो आपका डीजल जितना तरल होगा, जितना कम विस्कस होगा, उतना बढ़िया से स्प्रे होगा। स्प्रे कहाँ से आ गया सर? आपका जो इंटरनल कंबशन इंजन होता है ना सर, सिलेंडर जो कहते हैं ना, कि मेरा बाइक 100 सीसी का है, 150 सीसी का है, 200 सीसी का है। सीसी क्या होता है? सीसी आपके सिलेंडर का वॉल्यूम है, ये सेंटीमीटर क्यूब है, समझ गए? जितना बड़ा सिलेंडर उतना ज्यादा टॉर्क लगाएगा आपका बाइक, और उतना ज्यादा पावरफुल आपकी बाइक मानी जाएगी, समझ गए? तो 100 सीसी, 150 सीसी, ये सब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, जहां पर पिस्टन लगा होता है। पिस्टन आपने जब एड देखा होगा, जो आता है ना इंजन ऑयल का, उसमें दिखाते हैं पिस्टन चलता हुआ, दिखाते हैं ना एड में पिस्टन चलता हुआ दिखाते हैं, बोलते हैं कि हाँ मेरा जो ऑयल है पिस्टन में बहुत ही, मतलब फ्रिक्शन नहीं आने देता, आप ही गाड़ी चलेगी सालों साल, ये सब वो सब दिखाते हैं कि नहीं दिखाते हैं? तो वहां पर यही पिस्टन दिखाता है, जहां पर ऑयल डालते हैं और उसको वो फ्रिक्शन लेस बनाता है। इसी पिस्टन में डीजल को या पेट्रोल को स्प्रे करते हैं, इसमें कंबशन करके स्प्रे करते हैं। यहां पर एक्सपेंशन होता है गैस का, और पिस्टन बहुत तेज गति से, फॉर एग्जाम्पल आपने पिचकारी देखी है, पिचकारी होली वाली, पिचकारी का आप जो मुंह है वो बंद कर दो, पहले खींच लो पूरा, खींच करके आपने मुंह बंद कर दिया। अब आप उसको धकेलो, ताकत लगता है धकेले में, धकेलने में ताकत लगता है। जैसे आप छोड़ोगे तो क्या होगा, हैंडल तेज से पीछे आएगा, हैंडल तेज से पीछे आएगा। सोचो अगर क्या हो कि इस पिस्टन में ब्लास्ट हो जाए, अंदर का जो गैस है बहुत तेज से विस्फोट करेगा, और आपका हैंडल और तेज से बाहर आएगा। इसी, ये जो है ना तेज से बाहर आता है, ये आपको टॉर्क देता है। चलो कहाँ फंस गए इसमें, आईसीएम में समझ जाओ। डीजल का विस्कोसिटी अगर लो होगा तो अच्छे से फुहारा बनेगा पिस्टन के अंतर्गत, और बढ़िया से फ्यूल का दहन होगा, कम्बशन होगा बढ़िया। सल्फर कंटेंट लो है, डिपॉजिट कम आएगा, और ये बर्स्ट 6 ग्रेड को ये फॉलो करता है। तो आपका यहां पर दोनों बातें जो है वो सही हैं, सी आपका सही आंसर है, ठीक है? अरे आर्मी के लिए है, क्या कॉस्टली, क्या खराब, सब ठीक है। हाँ अभी पढ़ना भी है किताब, आ जाओ, अब आ जाओ किताबों पर, बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए, तो क्या बातें कर रहे थे हम लोग, अपना जो आर्टिकल नंबर कौन सा पढ़ना था जी?
तीस करना था, तीस करना था। 29 हो गया है, 29 हो गया है, अपना अनुच्छेद नंबर 30 करना है, आर्टिकल नंबर 30 करना है। क्या कहता है? ये जो आपके माइनॉरिटीज हैं उनको ये अधिकार देता है, राइट टू माइनॉरिटीज। किस तरह के माइनॉरिटी? चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो भाषिक हो, दो तरह के माइनॉरिटी को संविधान में मान्यता दी गई है, केवल रिलीजियस और केवल लिंग्विस्टिक। माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया है, यह बात ध्यान से सुनिएगा, क्लियर है? यह कहता है कि सभी माइनॉरिटी को अपने चॉइस का शैक्षणिक संस्थान बनाने का, मेंटेन करने का अधिकार होगा। चलो लिखो, क्या अधिकार है? राइट टू स्टैब्लिश मेंटेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस। यही वो मुद्दा है जहां पर आपका AMU आकर के अटकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसको माइनॉरिटी संस्थान का दर्जा, ये जो मुद्दा है ना वो आर्टिकल 30 से ही संबंधित है, समझ गए? क्रिश्चियन स्कूल्स, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने अमन, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब ठीक है, बढ़िया। ये कह रहा है, इसमें एक बात और है कि दान दक्षिणा देने में, ऐड के मामले में जो स्टेट है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा ऑब्वियस। मगर इसको इन्फोर्स करना कितना मुश्किल है, आपने डिस्क्रिमिनेट को तो डिफाइन ही नहीं किया, समझ गए? ठीक है, हमने आपको जब पिछला आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल आपको मैंने जब 29वां पढ़ाया था, उसमें क्या था? आर्टिकल 29 जो है वो सिटीजन के किसी भी सेक्शन के लिए है, मतलब कि वो माइनॉरिटी के लिए भी है और मेजॉरिटी के लिए भी है, दोनों के दोनों मिलकर के अपना जो भाषा है, लिपि है, कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट कर सकता है, माइनॉरिटी भी और मेजॉरिटी भी। मगर जो आर्टिकल 30 आपका है वहां पर केवल माइनॉरिटी, वो भी कौन सा? लिंग्विस्टिक और रिलीजियस, माइनॉरिटी केवल, बढ़िया ठीक है। ठीक है, हाँ तो हैज बीन रैंक्ड वन बाय ऑल कॉलेजेस, नहीं ऐसा कहाँ है, NIRF का रैंकिंग देखिए, NIRF यही रैंकिंग है ना, यही रैंकिंग सरकारी की है ना जी, इसके रैंकिंग हिसाब से जो तैयारी होती है ना उसमें कॉलेज का जो रैंकिंग होता है वो दिया जाता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया आर्टिकल नंबर 30। यहां पर कहा गया है कि जो माइनॉरिटी हैं वो अपने शैक्षणिक संस्थानों में अपनी भाषा में जो शिक्षा है वो देंगे। आर्टिकल 30 जो है इसमें माइनॉरिटी को अधिकार दिया गया है कि वो अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा देंगे, अपना बनाएगा, मेंटेन करेगा तो ठीक है, एस्टैब्लिश किया, मेंटेन किया, बढ़िया, मगर वो शिक्षा भी अपनी भाषा में, शिक्षा भी अपनी भाषा में देंगे, ठीक है। भले ही उसको सरकार से डोनेशन मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, अपनी भाषा में शिक्षा देंगे, क्लियर है? हाँ, अब यहां पर ये जो माइनॉरिटी एजुकेशंस हैं, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो तीन तरह के हैं, तीन तरह के हैं। पहला कौन है?
जो मान्यता और सहायता दोनों लेता हो, ठीक है, दूसरा केवल मान्यता लेता हो, केवल मान्यता लेता हो, तीसरा ना मान्यता ना सहायता, ये चिल है अपने आप में, ठीक है, हाँ क्लियर है। तो यहां पर इन दोनों वाले केस में स्टेट का रेगुलेशन चलेगा, यहां पर स्टेट रेगुलेट कर सकता है, यहां नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें स्टेट का कोई हाल, इसमें इसका कोई हाथ नहीं है, ना मान्यता ली है ना सहायता ली है, मेरा अपना है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं है हमको, ठीक है। हाँ अगर वो माइनॉरिटीज जो आपका कम्युनिटी बनाता है तो वो उर्दू में भी वहां पर शिक्षा दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ यहां पर सरकार रेगुलेट नहीं कर सकता, मगर जो कॉमन लॉ है ना, कॉमन लॉ दोनों पर अप्लाई होगा, कॉमन लॉ दोनों पर अप्लाई होगा, समझ रहे हो बात। शिक्षा के जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो दोनों पर अप्लाई होंगे, समझ गए बात। मगर ये तो लूपहोल हो गया सर, कॉमन लॉ के नाम पर सरकार रेगुलेट भी तो कर सकता है, सरकार ने कोई रूल बना दिया, अब वो कॉमन लॉ है तो सब पर अप्लाई होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सब लूप होल हैं जिसका इस्तेमाल गवर्नमेंट कर सकती है, करती भी है, ठीक है, और करना भी चाहिए। ठीक है, हम लोग कौन सा कंटेंट में आएंगे सर, माइनॉरिटी या माइनॉरिटी क्या क्या दोनों माइनॉरिटी लिखा है तुमने, हम लोग मेजोरिटी में आएंगे, हम लोग आएंगे धार्मिक मेजोरिटी में, मेजोरिटी दो तरह की होती है, हम लोग इसमें आएंगे धार्मिक मेजोरिटी में, ना ना खाली मेजोरिटी नहीं लिखना है, खाली मेजोरिटी नहीं लिखना है, धार्मिक लिखना है मेजोरिटी में, समझ रहे। अब कोई पूरा, हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हिंदी क्या है, हिंदी जो है वो लिंग्विस्टिक मेजोरिटी है कि नहीं है। अब चाहे वो मुसलमान ही है मगर हिंदी बोलता है तो क्या है वो, है कि नहीं। बढ़िया, ठीक है। यहां पर एक बात ध्यान सुनना, आर्टिकल 30 में जो यहां पर इतना दिया गया है छूट माइनॉरिटी संस्थानों को, वो उनको इक्वालिटी देने के लिए किया गया है, जो इक्वालिटी है वो देने के लिए किया गया है, ना कि ऊपर रखने के लिए, समझ गए, ना कि उसको बाकियों से ऊपर रखने के लिए, ठीक है। नहीं, एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा, एग्जाम 4 अक्टूबर को ही होगा, क्योंकि अधिकांश एग्जाम हो रहे हैं सैनिटाइजर दे करके, मास्क पहना करके एग्जाम हो रहे हैं, तो यूपीएससी का एग्जाम भी होगा। रेयर केस में नहीं देखा गया आज तक कि जब डेट अनाउंस कर दी जाए तो एग्जाम पोस्टपोन हो यूपीएससी का, ना। वैसे भी एनडीए का एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया है यूपीएससी ने, वो भी अभी, ठीक है सर। पीयूष राज कहां पे आया था, कहाँ पे आया था पीयूष, मैंने तो कहा किताब पढ़ो, कहाँ तुम भटकते रहते हो, समझ गए। चलो आगे आ जाओ, अब आता है यहां पर मेन मुद्दा। हाँ ये आपका राइट एब्सोल्यूट नहीं है, आपका ये जो राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, यहां ये बात छूट गया, नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, नॉट एब्सोल्यूट है, मतलब कि आपको मेंटेन करने का अधिकार तो है मगर आपको गंदा मेंटेन करने का अधिकार नहीं है, आपको गंदा मेंटेन करने का अधिकार नहीं है, समझ गए बात। वहां पर सरकार इंटरवीन कर सकती है, जैसे मैंने बताया सरकार अगर चाहे तो रेगुलेशन दे सकती है कि हाँ आपके शिक्षा संस्थान की क्वालिटी में एजुकेशन ऐसा होना चाहिए, है ना, ठीक है। 4 अक्टूबर को एग्जाम होगा, पढ़ते रहो,
ठीक है, बस और कुछ नहीं। कोई भी कहे, जब तक यूपीएससी ना कहे तब तक सब झूठ है। बढ़िया, चलो आ जाओ आगे। कौन सा अधिकार है अगला? 32वां है। चलिए, सबसे मेन अधिकार 32वां है। आर्टिकल 32 क्या कहता है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें कई सारे पार्ट हैं, इसके इसके चार प्रोविजन हैं, इसके चार प्रोविजन हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगा ऑर्डर जारी करने का, रिट जारी करने का। सुप्रीम कोर्ट के पास पावर होगा ऑर्डर जारी करने का, रिट जारी करने का, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट, फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ एनी फंडामेंटल राइट। केवल फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट के इन्फोर्समेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास रिट ऑर्डर जारी करने का अधिकार होगा। ठीक है, हाँ, पूनम अंबेडकर जी बोले इंपॉर्टेंट। बिल्कुल सही, अंबेडकर जी ने क्या कहा था? इट इज द सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अंबेडकर जी के अनुसार आपका जो आर्टिकल नंबर 32 है, इट इज द वेरी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेरी हार्ट ऑफ इट। मतलब कि आर्टिकल 32 के अगर 32 ना रहे तो बाकी अधिकार आपके ऐसे ही हैं। अगर आप अपने अधिकार को इन्फोर्स ही नहीं कर पा रहे तो क्या फायदा उस अधिकार के होने का? फॉर एग्जाम्पल, आपके पास न्यूक्लियर पावर है, मगर आप उस न्यूक्लियर पावर के रहते भर में आप अपनी टेरिटरी लूज कर दे रहे हैं, तो क्या फायदा आपके पावर का? ठीक है, क्लियर है बात? रिट क्या होता है? रिट सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को दिया गया है पावर एक खास तरह के ऑर्डर देने का, खास तरह का ऑर्डर। उस खास तरह के ऑर्डर्स को रिट कहते हैं, क्योंकि उस तरह का ऑर्डर वेस्टर्न कोर्ट में फॉलो किया जाता था। जैसे कहते हैं ना कि हम संकेत देंगे तुमको, तुम समझ जाना, तो वैसे ही संकेत है, मतलब टाइप ऑफ ऑर्डर है। हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, इस तरह का पांच तरह के रिट हैं, उसको हम करवा देंगे कभी। रिट अगर मैं ऐसे पढ़ाऊंगा तो समझ में नहीं आएगा, सब भूल जाओगे। रिट को अगर हम क्वेश्चन के जरिए समझाएंगे कि ये जो हैबियस कॉर्पस रिट है किसके खिलाफ आप इशू कर सकते हैं, मैंडमस क्वो वारंटो रिट किसके खिलाफ इशू कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ये बहुत ही झोल वाला काम है। तो इसको सवाल के जरिए समझना आसान होता है और याद रखने में आसानी होती है, वरना सब भूल जाओगे। ठीक है ना? तो आर्टिकल 32 का पहला ये है कि सुप्रीम कोर्ट के पास होगा पावर और फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए होगा पावर। एक बात और, केवल सुप्रीम कोर्ट को ही नहीं, पार्लियामेंट को अधिकार दिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अलावा दूसरे कोर्ट को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकता है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट, पार्लियामेंट कैन एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू इशू डायरेक्शंस, ऑर्डर्स, डायरेक्शन, रिट, ऑर्डर्स। ठीक है, बढ़िया। यहां पर पार्लियामेंट एनी अदर कोर्ट में
ना सुप्रीम कोर्ट आएगा ना हाई कोर्ट आएगा, ध्यान सुनिएगा, यहां पर ना सुप्रीम कोर्ट आएगा ना हाई कोर्ट आएगा। क्यों सर? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इसमें एक्सक्लूड किया गया, उसके पास पहले से ही पावर है, और हाई कोर्ट को दिया गया है पावर 226 के अंतर्गत, समझ गए? इसको 32, इसको 226, इसीलिए एनी अदर कोर्ट में दूसरे कोर्ट्स आएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, ठीक है। और जब मैं कहता हूँ हायर जुडिशरी, तो क्या आता है उसमें? हायर जुडिशरी में आपका केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही आता है, समझ गए? क्लियर है बात? हाँ जी अश्विनी, बहुत अच्छे। सुप्रीम कोर्ट गार्डियन है, डिफेंडर है, गार्डियन है फंडामेंटल राइट का। हाँ अभी इसको ये तो पढ़ लो। ये हो गया आपका दूसरा प्रोविजन। तीसरा क्या बोलता है? ठीक है, तीसरा क्या बोलता है कि किसी नागरिक का अगर फंडामेंटल राइट वायोलेट हुआ है, फंडामेंटल राइट वायोलेटेड, मूव टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। ये एक्चुअली पहला प्रोविजन है, मैंने थर्ड में लिखवाया है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लिखा तुम्हारा आर्टिकल 32 में ही है। चौथी बात क्या कहता है? सर भूख लगी है बहुत, मुझे भी। चलो कुछ देर और है बस, ज़्यादा समय नहीं है, है ना? चलिए खत्म करेंगे इसको। अगला क्या बोलता है? आपको मैंने पहले बताया था कि जब नेशनल इमरजेंसी लगी रहे, नेशनल इमरजेंसी लगी रहे, तो कोर्ट जाने का जो आपका अधिकार है वो सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ कुछ फंडामेंटल राइट के लिए। किया था कि नहीं किया था, है ना? तो कहता है राइट टू मूव सुप्रीम कोर्ट, ये सस्पेंड नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान में अगर लिखा गया है कि इन मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, उन मामले को छोड़ करके किसी भी दूसरे मामले में ये नहीं कहा जा सकता कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। मतलब कि अगर सस्पेंड ही करना है केवल संविधान कर सकता है, कोई और नहीं, समझ गए बात? अगर संविधान में लिखा है कि सस्पेंड होगा तभी होगा बस। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 359, नेशनल इमरजेंसी लगी होती है उस दौरान आपका आर्टिकल 19 तो खुद ब खुद गिर गया, आर्टिकल 19 खुद ब खुद सस्पेंड हो गया, 20 और 21 कर नहीं सकते, है ना? ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो गया। बाकी जो आपके फंडामेंटल राइट हैं को प्रेसिडेंस के ऑर्डर ऑर्डर से सस्पेंड कर सकते हैं, समझ गए? तीन ही तरह का केस होगा। आर्टिकल 19 खुद ब खुद मूर्छित हो गिर गया, खुद ब खुद बेहोश हो गया बिना कुछ किए। 20-21 को आप कर नहीं सकते। जो बाकी फंडामेंटल राइट बच गए उसको, उसका इन्फोर्समेंट, ध्यान सुनिएगा, फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता, फंडामेंटल राइट का इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है। मतलब कि आपके सामने से मिठाई की थाली नहीं हटाई जाएगी, आपके मुंह पर टेप चिपका दिया जाएगा कि आप खा नहीं सकते, मिठाई रखी हुई है, ठीक है ना? एग्जाम्पल समझ गए? आपका जो मिठाई है वो फंडामेंटल राइट है, हम थाली नहीं हटाएंगे, बस मुंह पर टेप चिपका देंगे कि इमरजेंसी के दौरान आप खा नहीं सकते, समझ गए? टेप हटा देंगे कैसे? टेप हटाने के लिए जो गवर्नमेंट है वही पास करेगा आदेश, या पार्लियामेंट उसको हटा दे, इमरजेंसी को डिसअप्रूव कर दे पार्लियामेंट तो हट सकता है। कैसे कैसे एग्जाम्पल देते हो सर जी मिठाई वाला? अरे तो समझ में नहीं आया क्या? एग्जाम्पल मैंने दिया, समझ में आया कि नहीं आया? सर लेकिन हाथ तो खुला रहेगा, हाथ से खाओगे क्या? खाओगे तो मुंह से ही, ठीक है ना? चमका, बढ़िया।
तो ये आपका हो गया चारों प्रोविजन जो आपके आर्टिकल नंबर 32 में लिखे गए हैं। अब छोटा सा टॉपिक बचता है एक मिलिट्री राइट वाला, समझ गए बात? क्या बचता है? जो मिलिट्री वाला है ना, छोटे छोटे से हैं, आर्टिकल नंबर 32 है। आर्टिकल नंबर 32 तो ये हो ही गया, ठीक है ना? आर्टिकल 32 को किसी भी दूसरा फंडामेंटल राइट को छोड़ करके, कोई संवैधानिक अधिकार हो, लीगल अधिकार हो, इन सब को इन्फोर्स करने के लिए 32 यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना? हाँ, तो आपका जो बाकी अधिकार हैं, बाकी मतलब कि आपका आर्टिकल नंबर 33 है, 34 है, 35 है, इन सब को इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आपका आर्टिकल नंबर 33 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है। क्या है? आर्टिकल 33 कहता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, एब्रोगेट कर सकता है, जो आर्म्ड फोर्सेस को, पैरामिलिट्री को, पुलिस को मिलते हैं। मतलब कि आम जनता से कम फंडामेंटल राइट दे सकता है मिलिट्री को, पैरामिलिट्री को, पुलिस फोर्सेस को, इंटेलिजेंस एजेंसी को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रॉ में काम करते हैं, तो ये नहीं कि आप सबको बताते फिरेंगे कि हम रॉ में काम करते हैं, हम रॉ में काम करते हैं, जासू दूसरी कंट्री वाला तुमको पकड़ लेगा, सब उगलवा लेगा, बताओ तुमने कहाँ कहाँ जासूसी करी है। तो रॉ वाले काम करते हैं कहाँ, कौन काम करता है रॉ में पता नहीं होता जब तक कि वो रिटायर ना हो जाए, जब तक वो ना हो जाए, ठीक है? समझ गए बात? तो आपका जो राइट ऑफ स्पीच है वो सब थोड़ा सा लिमिट किया जाएगा। जैसे कि वो हुआ था ना, पैरामिलिट्री में थे, उन्होंने खाने के खिलाफ बोला था कि खाना सही नहीं मिलता, ये सब वो सब, ठीक है? तो उनको लॉ के अकॉर्डिंग पनिश किया गया था। आपने इंटरनल ग्रीवियंस सिस्टम को इस्तेमाल नहीं किया, सीधे आपने मोबाइल से वो करके डाल दिया। हाँ, गलती अधिकारियों की है, बिल्कुल सही है, अधिकारी पैसा खाते हैं, सही बात है। तो वही बनाया गया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे जहां पर जो ग्रेवियांस होंगे जवानों के, वो पहले वहां डालेंगे, ठीक है? सही बात। फिर बातें कही गई हैं आपके लक्ष्मीकांत में कि आपका जो इमरजेंसी है मार्शल लॉ में क्या अंतर होता है, ये सब बातें आसान हैं, आप पढ़ सकते हैं उसमें से बैठ करके, आपने पढ़ ही ली होंगी सारा उसमें तो, ठीक है? फिर आपका ये आर्टिकल नंबर 34 वाला कहता है मार्शल लॉ वाला, 34 आपका है मार्शल लॉ वाला, ये सौरभ का बैटरी जा रहा है, 2% बचा हुआ है, एकदम सांस टूटा, ठीक है? फोन पर रोटी बनेगी आज, खत्म हो गया। तो आपका जो 34 है क्या बोलता है कि फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं जब आपका मार्शल लॉ लगा हुआ हो। क्या हो? फंडामेंटल राइट को कर सकते हैं रिस्ट्रिक्ट जब आपका मार्शल लॉ लगा हुआ हो, ठीक है? हाँ, 35 सबसे इंपॉर्टेंट है। 35 क्या बोलता है? मैंने कहा था ना कि फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए अगर कोई लॉ बनेगा तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि यूनिफॉर्मिटी चाहिए होती है, पूरे देश में सब नागरिकों को समान अधिकार मिले। ये कब हो पाएगा? जब लॉ पार्लियामेंट बनाए, ठीक है? सर, अनअकैडमी का ऐप बहुत ही घटिया हो गया है, क्लास बंद कर दी और बोलता है वी आर अपडेटिंग योर ऐप एक्सपीरियंस। तो तुमने ऑटोमेटिक अपडेट क्यों लगा रखा है? प्ले स्टोर में जाओ, वहां पर ऑटोमेटिक अपडेट का जो टिक मारा हुआ है ना, वो डिसेबल करो। प्ले स्टोर में जा करके सेटिंग में जाना, तुम्हारा डाटा बहुत बचेगा। क्या बचेगा? डाटा बचेगा तुम्हारा, लगा रखा होगा तब ना ऑटोमेटिक अपडेट वाला। क्या कहें, डिफेंड करना पड़ता है कभी कभी। होता है, क्या कहें। तो आपका जो 35 है क्या बोलता है कि अगर आपको कोई लॉ बनाना हो किसी फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा, ठीक है?
हाँ पार्लियामेंट बनाएगा। तो आपके ये हो गए आपके सारे मौलिक अधिकार आर्टिकल नंबर 12 से आर्टिकल नंबर 35 तक, ठीक है। अब जो भी छोटे छोटे मुद्दे हैं आपके लक्ष्मीकांत में लिखे गए हैं, आप उनको प्रेम से पढ़ सकते हैं, या तो हम क्वेश्चन के जरिए करवा देंगे। हम जब अगले पॉलिटी वाली क्लास में मिलेंगे तो हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। वैसे तो आपका क्रिटिसिज्म वगैरह सब पढ़ाना बाकी है, फंडामेंटल राइट में उसमें कुछ है नहीं। मौलिक अधिकार का क्रिटिसिज्म क्या है, वही सब बातें, लिमिटेशन खूब सारी लगा दी गई है, एब्सोल्यूट नहीं दिया है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट नहीं दिए गए हैं। फंडामेंटल राइट पता है ना पॉलिटिकल अधिकार है, सोशल एंड इकोनॉमिक अधिकार आपके डीपीएसपी में है, समझ गए बात, ठीक है। चलिए, क्लियरिटी नहीं है, परमानेंटेंसी नहीं है, मतलब कि आपके फंडामेंटल राइट को हम लोग अमेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। रिट रह गया, तो मैंने कहा तो कि रिट मैं क्वेश्चन के जरिए बताऊंगा, क्योंकि ऐसे पढ़ाने में भूल जाएंगे आप। तो वैसे भी रिट के हजारों वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर, मगर सभी ऐसे ही हैं, बस पढ़ा के चल दिया है, बिना एमसीक्यू के नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है, क्लियर बात है। तो आप जो बाकी टॉपिक है फंडामेंटल राइट के उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें एक टॉपिक आपको ये मिलेगा कि कौन कौन से अधिकार आपके पार्ट थ्री के बाहर हैं, कौन कौन से अधिकार आपके पार्ट थ्री के बाहर हैं, उसमें आपका राइट टू प्रॉपर्टी भी आ जाएगा, ठीक है। तो सब पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये बिना कोई लॉ के टैक्स नहीं वसूल कर सकता, ये भी एक आपका अधिकार है कि सरकार आप पर मनमौजू टैक्स नहीं लगा सकता जब तक कि कोई लॉ ना पास कर दिया जाए। इसीलिए फाइनेंस बिल पास किया जाता है संसद में, हर साल फाइनेंस बिल पास करते हैं ताकि आप पर टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है, बढ़िया। चलिए, तो फंडामेंटल राइट के जो पूंछ वाले टॉपिक है ना, छोटे छोटे टॉपिक, क्रिटिसिज्म वाला, राइट आउटसाइड पार्ट थ्री, वो सब पढ़ लीजिएगा। उनसे क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं आते, मगर पढ़ना जरूरी है ताकि कुछ छूट ना जाए। अगले वाले में क्या करेंगे हम लोग? डीपीएस नहीं, अब कोई क्लास नहीं है, अब कोई क्लास नहीं है। अगले वाले में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8, इस 7 है ना फंडामेंटल राइट, हाँ 7 है फंडामेंटल राइट, 8वां आपका डीपीएसपी है। यहां पर जो मेन मेन बातें हैं वो करेंगे, और सवाल भी हम लाएंगे जैसे भी करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अब थोड़ा सा रफ्तार में पढ़ेंगे क्योंकि प्रीलिम्स में पहले खत्म करना है हमको, ठीक है। भागने के लिए तैयार है एकदम, छोड़े ना, ठीक है। चलिए, तो आप सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं इंडिपेंडेंस डे की। बाकी दिन जो आज़ादी है मनाइए, किताब पढ़िए, और जब तक आपको ये आर्थिक आज़ादी नहीं मिलती यूपीएससी से, अपने इन सब चीज़ों से, तब तक आप पढ़ते रहिए अच्छे से। टारगेट मैंने क्या दिया है, रिवाइज करना का टारगेट दिया है, मैंने कहा है मॉक टेस्ट सॉल्व करना, सैटरडे और संडे मॉक टेस्ट दिया है मैंने, उसको सॉल्व कीजिएगा आज 2 दिन, कल सुबह आपको नया टारगेट मिलेगा। कल कल तो संडे है ना, परसों मंडे को सुबह में आपको टारगेट नया मिलेगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।